जय हिंद बच्चों। तो आपने एयरफोर्स का मॉक टेस्ट दिया होगा, उसी मॉक टेस्ट का आपको हम सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट जो आपका हुआ था उसमें आपके क्या स्कोर रहा, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपने जो तैयारी की है उसमें कितना आपकी एक्यूरेसी है, कौन से क्वेश्चन बने कौन से नहीं बने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ इंटी, देन फाइंड क्यूब रूट ऑफ 64। आपको 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल ये आसान है, आपको 64 लिखना है। 64 देखो 64 की पावर ये हो जाएगा 1/3। अगर 64 की पावर 1/3 लिखें तो ये हो जाएगा आपका 64, अलग हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे 64 की पावर 1/3 और यहाँ पर एक 1 हो जाएगा इसकी पावर 1/3। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका 4। 64 का आंसर हो जाएगा इसका 4, क्यूब रूट इसका 4 होता है और 1 के हो जाएंगे आपके 1, ओमेगा स्क्वायर। अगर 4 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका डी। कौन सा आंसर सही होता है इसका, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। इसका आंसर कौन सा सही होना चाहिए था, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर अगर आप टू को देखोगे तो इसमें पूछा गया आपसे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। देखो आपको मिडिल टर्म का अगर कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको पावर देखनी होती है। तो जो ये पावर है, आपको पावर आपको पता होगी ये एन इक्वल्स टू 10 है। ये पावर जो है वो क्या है आपकी, n इक्वल्स टू 10 है। अगर आप पावर को देखते हो तो ये इवन पावर है। कैसी है आपकी, इवन। इवन मतलब होता है आपका सम, किसकी पावर है, सम है। जब सम पावर होती है तो जो मिडिल टर्म होता है हमारा ये होता है आपका टी एन बाई 2+1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 10 5+1 और 10 5+1 को आप लिख सकते हो 10C5। इसको क्या लगता है, इसका कोफिशियंट ही निकालना था तो इसका आंसर क्या हो गया था 10C5। आपको सिर्फ कोफिशियंट चाहिए था तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता 10C5। यहाँ पर ध्यान रखो, हमेशा अगर आपको मिडिल टर्म पूछे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जो लिखा हो, यहाँ 10 लिखा था और इसका हाफ कर दिया करो तो 10C5 कोफिशियंट। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एयरफोर्स में पूछे गए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये लिमिट का क्वेश्चन है। तो जो लिमिट का क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको देखो इसमें अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे, अगर इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0। तो इसमें आपको पता है इसमें डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। जैसे ही आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स टेंस टू 2 और ये हो जाएगा आपका 2x-5/ और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x-10। अगर आप लिमिट लगाते हो, इसमें अगर आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा 4-5/ यहाँ हो जाएगा 4-10। ये हो जाएगा माइनस का 1/-6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 1/6। इसका आंसर कौन सही हो गया, 1/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके जो एयरफोर्स के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, आपको बस आपका उनका कंसेप्ट पता होना चाहिए, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4 दिया गया। आपसे पूछा गया कि tan थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो अगर आप डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें एक आइडेंटिटी होती है आपकी, क्या कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर ये होता है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। अगर ये वाली आप आइडेंटिटी यूज करोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि इसकी वैल्यू तो आपको 4 दी गई है। तो इसका मतलब जो sec थीटा हमारा है माइनस का tan थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं और जो ये गिवन था इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं। हमने इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, हमने पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, 2 tan थीटा बराबर आपका बनेगा 4-1/4।
अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो टेन थीटा बराबर यहाँ कितना आएगा, 16, 16 में से एक जाएगा तो 15, और ये 15/8, तो यहाँ से टेन थीटा का जो मान आया वो कितना आया, 15/8। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 15/8, तो 15/8 ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो इसमें यहाँ पर लिखा है डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन मतलब कुछ डायरेक्शन हो जाता है, ये वर्ड होगा आपका डायरेक्ट्रिक्स, क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स, क्या होगा ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसकी हमें डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, ये आपको पता है एक पैराबोला की इक्वेशन है, तो पैराबोला की जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आती है तो हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, तो इसका अगर आप कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो ये बनेगा आपका बाई माइनस टू का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपका माइनस का 4x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब ऐसे क्या करते हैं, बाई माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर, इसको उस तरह भेजते हैं और 4 कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा x प्लस 3। अब क्या करो, इसको कंपेयर कर दो, इसको कंपेयर किससे करेंगे, बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, x से हम कंपेयर करेंगे, से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे, अगर आप तुलना करोगे तो कैपिटल y बराबर आ जाएगा y माइनस टू, ए बराबर आएगा आपका 1, और x बराबर आएगा आपका x प्लस 3। अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स पता है, इसकी x बराबर माइनस ए होती है, तो यहाँ पर कैपिटल x का मान है आपको x प्लस 3, और कैपिटल a का मान 1 है, तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी माइनस 4, तो ये आपकी क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो x बराबर माइनस 4 कहाँ दिया है, ये दिया है थर्ड नंबर पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 4, तो x बराबर जो माइनस 4 है ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 देखोगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डिफ्रेंसिएशन सभी बच्चों को आसान लगता भी है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें dy अपॉन dx पूछा गया, तो देखो dy अपॉन dx अगर आपको निकालना है तो y का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिख दो, क्योंकि आपको टाइम बचाना, जल्दी से जल्दी आंसर आए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 2 साइन t, पहले हम क्या करेंगे y का अवकलन करेंगे, फिर अपॉन में x का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो इसका हो जाएगा माइनस का 2 साइन t, इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 2t, अब अपॉन में कॉस t माइनस का, अब साइन का इसका साइन 2t का करोगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस 2t। अब इसने पूछा था कि पाई अपॉन t बराबर, अगर पाई अपॉन 2 है तो इसका आंसर बताना है, तो जैसे ही आप t बराबर पाई अपॉन 2 रखोगे तो dy अपॉन dx जो होगा, आपको पता है पाई अपॉन 2 पर साइन का मान 1 होता है, तो ये माइनस 2 इंटू 1 हो गया, प्लस यहाँ पर रखोगे तो साइन पाई आएगा, इसका 0 हो जाएगा, अगर यहाँ पर रखें पाई बाई 2 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप पाई बाई 2 रखोगे तो कॉस पाई माइनस 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस 1, तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, इसका माइनस 1, ये आंसर इसका सही हो गया। तो आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअल बेस्ड है, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो एयरफोर्स में बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं, हमने उन्हीं एग्जाम को, उन्हीं क्वेश्चन पेपर को देखते हुए ये आपके क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं तो एयरफोर्स में भी आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसने ये कहा है कि 50 ऑब्जर्वेशन है, कोई 50 परीक्षण हैं, उसमें से उनका जो ऑब्जर्वेशन का मीन है, वो मीन को बोलते हैं माध्य, ये 36 है, तो 2 ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हैं, ये क्या हैं, रॉन्ग हैं, इनको आपने क्या किया, एलिमिनेट किया, एलिमिनेट मतलब हटा दिया, एलिमिनेट मतलब क्या होता है, हटाना, इनको हमने हटा दिया, तो आप बताओ न्यू मीन क्या होगा, अब न्यू मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक्स न्यू मीन निकालोगे, तो देखो जितने ऑब्जर्वेशन है वो लिखो यहां पर, ऑब्जर्वेशन इनटू जो इसका मीन होता है वो लिखो, माइनस के जो गलत हैं, ठीक है, उनको हटाना है, हटाना मतलब माइनस करना है, तो यह माइनस हो जाएगा 42 और 30, अपॉन में आएगा आपका कितने ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन हट गए, तो अब बचे कितने होंगे आपके, 48 बचे होंगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा आपका, 36 आएगा, कितना आएगा आपका 36, तो कौन सा आंसर हो गया, 36 आपका
करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, एपी जीपी का क्वेश्चन। इसमें आप प्रॉपर्टी लगाओगे, देखो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये किसमें है आपके जीपी में है, ये किसमें है जीपी में। तो जीपी का आपको पता है लॉग ले लो, तो बेस एम करके लिएंगे, तो यहाँ पर लॉग ए बेस एम, यहाँ पर लॉग बी बेस एम, यहाँ पर लॉग सी बेस में एम। तो ये एपी का कभी भी आप अगर लॉग लेते हो तो ये बन जाती है आपकी जीपी, सॉरी जीपी का अगर आप कभी भी लॉग लेते हो तो ये क्या बन जाएगी आपकी एपी बन जाएगी, ठीक है। अगर जीपी का लॉग लिया जाए तो ये बन जाती है आपकी एपी, क्या बन जाएगी एपी। और अगर इसमें हम ऐसा करें, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग ए एम कॉमा वन अपॉन लॉग बी, यहाँ पर एम हो जाएगा, वन अपॉन लॉग सी, यहाँ एम हो जाएगा। और ये अभी भी इसमें किस में रहेंगे, एपी में ही रहेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है, अभी हमने क्या किया इसमें लॉग की सिर्फ प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। तो ये अभी किस में रहेगा, एपी में रहेगा। अब अगर हम इस सीरीज का उल्टा कर रहे हैं तो इसकी जो उल्टो सीरीज है वही ये बन जाएगी, तो इसका मतलब ये एपी में, तो इसकी उल्टी वाली किस में होगी, एचपी में होगी। तो इसका आंसर कौन सा सही था, एचपी वाला, जो एचपी ऑप्शन था वो हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिटरमिनेंट का है, डिटरमिनेंट आपको ए प्लस बी दिया गया, ए माइनस टू भी दिया गया, आपको ए पूछना है, पूछा गया। तो हमने क्या किया, इस वाली मैट्रिक्स में हमने बी का कोएफिशिएंट सेम बनाया, तो हमने क्या किया इसमें टू का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें क्या किया टू का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा टू ए प्लस का टू बी बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका सिक्स टू और यहाँ पर टू फोर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, ए माइनस का टू बी बराबर जीरो फोर वन टू, तो ये इक्वेशन नंबर टू हो गई आपकी। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा, इसे अगर आप सॉल्व करोगे ऐड करोगे तो ये 6 रहेगा, ये 6, ये 3 और ये 6। अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो a का मान आएगा आपका 2 2 1 2, तो कितना आंसर हो गया, ऐसा कोई मैट्रिक्स है आपका, बिल्कुल सही, ये वाली है मैट्रिक्स है आपका, दूसरे नंबर की दूसरा ऑप्शन जो था आपका बिल्कुल सही है, इसमें 2 2 1 2 दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो जिनने पढ़ा है उनको आसान लग रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है ये, वो ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए आपको क्या करना पड़ता है, e की पावर माइनस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, इसमें e की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स यहाँ वन हो जाएगा, क्योंकि e की पावर x एक प्लस है एक माइनस है तो जीरो हो जाएगी, यहाँ वन आ जाएगा। अब इसको आप क्या करो, लेट कर लो t, e पावर माइनस एक्स प्लस वन को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस e की पावर माइनस एक्स dx बराबर dt। अगर अब ये इसे रिप्लेस करते हो तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन टी और माइनस बाहर आ जाएगा डी टी, इसका अवकलन होता है लॉग टी, क्या होता है लॉग टी प्लस सी। आप क्या करो टी का मान रख दो, तो इसे ऐसा भी ले सकते हैं लॉग 1 अपॉन टी, माइनस यहाँ पावर में आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। अब इसमें टी का मान रखोगे, जैसे ही आप टी का मान रखोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर टी का मान रखना है आपको, जैसे ही टी का मान रखे इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि एक सेट है किसका, इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन है 8 से, तो 8 से छोटे इवन नेचुरल नंबर बताइए, तो 8 से छोटे हमारे जो इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 4 6 3 हो गए। ऐसे ही बी में देखेंगे तो जो बी हमारा सेट है उसमें कहा गया कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो 7 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर 1 3 और 5। अब उसने क्या कहा, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, तो कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। आपको पता है रिलेशन का एक फॉर्मूला था, क्या था, टू टोटल रिलेशन की संख्या 2 की पावर mn, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके जो रिलेशन की संख्या होगी ये m बराबर 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 बराबर 2 की पावर 9
बराबर 512। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 512, ये वाला करेक्ट आंसर है दूसरे नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया कि ये दो कर्व दिए गए हैं, इनके द्वारा एरिया कितना बाउंडेड होगा, एरिया बाउंडेड रीजन निकालना है आपको। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी आए, ये आसान क्वेश्चन होते हैं, इसको डायरेक्ट आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है एरिया ए बराबर 3 से 5 में, 3x-5 यहाँ पर dx हो जाएगा। जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये 3x² / 2 माइनस का 5x, यहाँ पर 3 से 5, इसे लिमिट लगा देते हैं, पहले 5 रखते हैं, तो जैसे ही आप 5 रखोगे 3/2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 25, और यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25। ये अलग हो गया, पहले अपर लिमिट लगाई, अब लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो लोअर लिमिट लगाओगे तो 3/2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं और ये हो जाएगा आपका -15। अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने पर आपका कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 3/2 इसमें से कॉमन है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, तो ये बचेगा 3/2 × या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा आपका 25 में से 9 जाएंगे तो 16, और यहाँ पर देखो ये आपका 25 है और ये कितना है आपका 15, तो 15 में से 25 ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 * 24 - 10 तो आपका कितना आएगा 14 आंसर आएगा, तो यह कौन सा आंसर हो गया ए। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन करनी है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो किसका क्वेश्चन है, आपका क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमने आपको 4-5 कंसेप्ट लिखाए हैं, जब भी एक ऐसी इक्वेशन आए कि इसके रूट अल्फा बीटा हैं और दूसरी इक्वेशन बताओ जिसके रूट 1/α 1/β हो, तो इसमें आपको एक ही काम करना होता है, एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दो। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा 3x² + 8x + 9 = 0। अगर इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 9x² + 8x + 3 = 0। तो ऐसी कहीं इक्वेशन आपको दिख रही है, बिल्कुल सही ये इक्वेशन दिख रही है, इक्वेशन नंबर बी, जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा गया कि कोई 3 लाइनें हैं और वो कैसी हैं, आपकी कॉन्कुरेंट हैं। तो जब भी कॉन्कुरेंट लाइन होती है आपको आपको पता होना चाहिए कि इनका डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 1 = 0। अब इसे डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 + λ - 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होगा, और इसका प्लस का लैम्डा, और यहाँ पर क्या होगा आपका -7, और ये आ जाएगा 2 - 6 = 0। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, यहाँ पर 3 λ, यहाँ पर -8 - 4λ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 28 = 0। अब देखो ये से आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये माइनस का लैम्डा और प्लस का यहाँ पर 10, यानी कि 38 हो जाएगा, 28 और यहाँ 10 बचेंगे, 8 माइनस हो जाएंगे = 0। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आई वो आपकी कितनी आ गई 38, तो 38 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। अगर आप 15 नंबर को देखोगे तो ये आपका एओडी का क्वेश्चन है, आपको टेंजेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑन इक्वेशन दिस। ठीक है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप बताने थे, यहाँ पर क्या बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट की जगह स्लोप। ठीक है, क्या बताना आपको, स्लोप बताना है इसका। ठीक है, आपको टेंजेंट का स्लोप बताना है। ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट भी लिखा देते हैं, इन्होंने स्लोप नहीं लिखा है, तो यहाँ पर टेंजेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ
स्लोप ऑफ टेंजेंट, या तो यहाँ पर एक स्लोप बट भी लगा दो, ठीक है, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे आप, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो 1/2 रूट में एक्स और प्लस का 1/2 में 2 रूट बाई dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो dy अपॉन dx बराबर आएगा आपका, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का रूट में y अपॉन x। अब जैसे ही x y की वैल्यू रखोगे तो dy अपॉन जो dx होगा, वैल्यू रखने पर अंदर 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो इसका आंसर कौन सही हो गया, दूसरे नंबर का, जो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसमें कहा गया कि इसकी आपको क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर होती है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो पहले इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर रहेगी 3 और यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर, हमने होल स्क्वायर किया तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। दो पहले से है और दो और हो जाएगी, तो इसकी डिग्री पूछी गई, ये कितने डिग्री का है, तो आपको पता चल गया होगा ये हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, इसकी जो पावर होती है वही डिग्री होती है, कितना हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका पीएनसी का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये किसका क्वेश्चन है, पीएनसी का है। इसमें ये पूछा गया कि 12 पॉइंट हैं एक प्लेन में, एक समतल में 12 बिंदु हैं, उनमें से 3 पॉइंट कोलिनियर मतलब होता संरेखीय है, अगर ये संरेखीय है तो आप बताओ इनको हम मिलाने पर कितने त्रिभुज बना सकते हैं। अगर आप देखोगे तो इसका एक हमने फॉर्मूला बताया था, क्या एन सी थ्री, तो जितने कॉमन लीनियर होते हैं या संरेखीय होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, MC3। तो अगर टोटल पॉइंट देखे जाए तो 12 थे तो 12C3, और कोलिनियर 3 हैं तो 3C3। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 12 × 11 × 10/, यहाँ पर 6 हो जाएगा माइनस का 1, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये आ गया आपका 220 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 219। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आसान क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूले याद रहते हैं आसानी से बन जाएंगे, एयरफोर्स में टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, किसका है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसे देखो, ये आपका क्या है, पावर 2 रखने पर माइनस ए से ए लिमिट हो और आपका ये भी फंक्शन हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता नहीं है तो इसे रिप्लेस कर देते हैं किससे, 1 − cos 2x/2 से डी एक्स, तो 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x और इसका हो जाएगा cos x का माइनस का साइन 2x/2, लिमिट आपकी 0 से π/2 है। तो जैसे ही π/2 रखोगे तो यहाँ π/2 आएगा, यहाँ साइन पाई आ जाएगा, ये 0 − 0 रखोगे तो 0 और यहाँ +0, तो आंसर आपका कितना आ गया, π/2। तो इसका आंसर कौन सही था, ये वाला आंसर जो π/2 लिखा है, ये बिल्कुल करेक्ट था आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये जो क्वेश्चन है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने आपको बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, किसी एक में ही कन्वर्ट करना है, तो इसे हम साइन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस का एक फार्मूला होता है, क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। अगर आप इससे रिप्लेस करते हो तो ये बन जाएगा आपका माइनस का π/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर आएगा आपका π/6। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका π/2 प्लस का π/6। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स, यह बन जाएगा 3 यानी कि 4π/6। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो साइन इनवर्स π/3, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका साइन π/3,
तो x बराबर साइन पाई अपॉन थ्री का मान कितना होता है रूट थ्री अपॉन टू। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया, रूट थ्री अपॉन टू, यानी कि जी एस सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर आप 20 देखोगे तो ये एक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या है आपको कि इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकालते हो, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई, एक लीनियर इक्वेशन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर होता है पी वाई बराबर क्यू। तो यहाँ से पी का मान कितना आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा, और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो e की पावर ये इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स लॉ वन अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर इसका e की पावर लॉग ई एक्स प्लस सी, ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बन जाएगा x प्लस सी। सी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख रहे हैं, तो सी नहीं लगाएंगे इसमें, सिर्फ आंसर हो जाएगा आपका x। क्या हो जाएगा आपका आंसर, x हो जाएगा। तो x वाला आंसर कौन सा था, सी नंबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और देखो अगर प्रोबेबिलिटी में आपको एक डेफिनेशन लिखाई थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यहाँ वर्ड यूज किया गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो आपकी घटनाएं हैं ठीक है ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, डिपेंड नहीं कर रही हैं इन द सेंस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक घटना होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो पहली नहीं होगी ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट का मतलब, अगर एक घटना हो रही है तो उसे कोई लेना देना नहीं हो तो दूसरी घटना आती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ध्यान रखना हमेशा कोई भी घटना अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा जीरो होगा ठीक है, क्योंकि एक दो एक जो घटना होती है जब पहली घटना घटित होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो पहली नहीं होगी। तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा, जीरो रहेगा अगर म्यूचुअली है। तो आपको ये वाला फार्मूला पता होगा ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका जीरो हो गया। यूनियन आपको 0.6 दिया गया, ये आपका हो गया 0.4 प्लस का पी बी, और ये हो गया आपका जीरो, ये आपका कितना हो गया जीरो हो गया। तो यहाँ से पी बी का जो मान आएगा पी बी बराबर आपका आएगा 0.2। तो बस इसमें एक ही वर्ड जो आपका था जो आपको पकड़ना था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है डिसजॉइंट, जो घटना है डिसजॉइंट है मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या हो जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको ए इनवर्स दिया गया है, आपसे पूछा गया एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो इसका ए इनवर्स निकाल लेते हैं, इसका आपको 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है ए इनवर्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो इसका जो ए इनवर्स होगा वो इन दोनों एलिमेंटों को आपस में चेंज कर दो, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ x, इनके साइन चेंज कर दो, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस 2, और क्या करो इसके डिटरमिनेंट से इसे डिवाइड कर दो। इसका डिटरमिनेंट देखोगे तो 3x माइनस 8। चलिए ये इनवर्स हो गया। अब आपको पता है जो डिवाइड होता है वो हर एक एलिमेंट में हो जाएगा डिवाइड, तो इसको हम लिखेंगे 3 अपॉन 3x माइनस 8, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3x माइनस 8, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 4 अपॉन 3x माइनस 8, और यहाँ हो जाएगा x अपॉन 3x माइनस 8। अब ये भी इनवर्स है, ये भी इनवर्स है, दोनों कंपेयर कर देते हैं, हम पहला ही एलिमेंट कंपेयर कर लेते हैं। तो इसका ये हो जाएगा पहला कंपेयर, तो 3 अपॉन 3x माइनस 8 बराबर 1 अपॉन 8, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 इक्वल्स टू 3x माइनस 8, तो 3x बराबर आएगा आपका 32, तो x बराबर आ जाएगा आपका 32/3। तो इसका कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा a बराबर 1 और b बराबर 2 और c बराबर 3 रखो। जैसे ही आप रखोगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, यहाँ बन जाएगा आपका डिटरमिनेंट है, तो इसको डिटरमिनेंट में लिखते हैं 1 1 1, और ये बन जाएगा 1 2 3, यहाँ पर बन जाएगा आपका बी सी, बी सी मतलब 6, ए सी मतलब 3 और ए बी मतलब 2।
अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वन यहाँ पर आएगा फोर माइनस का नाइन माइनस वन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टू माइनस का थ्री, और इसका मल्टीप्लाई प्लस सिक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री माइनस का टू। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आएगा आपका माइनस फाइव, ये आएगा आपका प्लस वन, और ये आएगा आपका सिक्स। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, क्योंकि ये सेवन हो गया माइनस फाइव, तो कितना आ गया आपका, टू आ गया। अब ऑप्शन में यही वैल्यू आप ऑप्शन में पुट करके देखो तो एक ही ऑप्शन आपका है जो आंसर टू देगा, ये वाला। इसे सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा, टू। तो इसका आंसर कौन सही हो गया, ये ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना था कि इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, वन वन सही है या इन टू या ऑन टू। तो आपको क्या करना है, ये आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको एफ एक्स बराबर टू एक्स का ग्राफ बनाना है। जैसे ही एफ एक्स बराबर टू एक्स का ग्राफ बनाओगे तो इसका कैसा बनेगा, एक लाइन बनेगी। और अगर आप एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। कितने पॉइंट पर कट कर रही है, ये एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा फंक्शन हो गया, वन वन। तो आपका वन वन यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलिए तो एक कंडीशन चेक हो गई, इसका वन वन। अब इसकी रेंज देख लेते हैं। आपको पता है इस फंक्शन की जो रेंज है वो कितनी है, इसकी जो रेंज जा रही है वो आर जा रही है, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो आर है, और अगर इसके कोडोमेन की बात की जाए, कोडोमेन, तो इसका जो कोडोमेन है ना, इसमें केवल नेचुरल नंबर ही डालोगे तो इसमें नेचुरल नंबर डालोगे तो नेचुरल नंबर आपके कहाँ से आएंगे, इसकी रेंज आर नहीं, इसकी रेंज जो होगी नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो रेंज आपकी जो मिलेगी वो टू मिलेगी, जब टू डालोगे तो फोर मिलेगी, और थ्री डालेंगे तो सिक्स, यानी कि इवन नंबर मिलेंगे आपको। जो रेंज में मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इवन नंबर मिलेंगे। जबकि कोडोमेन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर है एन। जो कोडोमेन है आपका, तो कोडोमेन जो आपका आ गया वो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे डॉट डॉट चलता रह रहा। तो यानी कि हमारी जो रेंज है वो सबसेट हो गई, रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये क्या हो गया आपका, कोडोमेन, ये सबसेट हो गई। तो अगर ये सबसेट है तो इसका मतलब हम बोलते हैं इनटू। तो ये कौन सा हो गया, वन वन इनटू। इसका कौन सा आंसर सही है, वन वन इनटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे तो ये आपका सिक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखो ए सेवन दिया गया, ए सेवन का मतलब क्या होता है, ये ए पी क्या है, ए सेवन, तो ए सेवन बराबर आपको दिया गया 40। तो इसे अगर हम लिखेंगे तो ए प्लस सिक्स डी बराबर 40। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। आपको एस 30 निकालना है, मतलब 13 टर्म का सम। तो यहाँ पर जाएगा 13 अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2a, यहाँ पर 12d। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 इंटू ब्रैकेट में आएगा a प्लस 6d। अगर आप इसको 13, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 40 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 520। तो 520 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला सी ऑप्शन, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने सारे क्वेश्चनों का आपको सलूशन जो था एक्सप्लेन किया। अब आप अपने क्वेश्चन को आप देख सकते हो, आपके जो भी क्वेश्चन गलत हुए थे उनका आप सलूशन देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए और मेहनत कीजिए, जिससे आपके 25 में 25 सही होने चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी मॉक टेस्ट है हमारे उनको सॉल्व कीजिए, प्रॉपर दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें से कितना आपका तैयार है, कितना तैयार नहीं है, कौन सा टॉपिक वीक है, ये आप एनालिसिस कर सकते हो मॉक टेस्ट से। और ऐसे ही आप मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है, जिससे आपका जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए तैयार रहो पहले से, ठीक है। जय हिंद बच्चों। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीरियस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल्सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस, बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं,
हैं आपको फिट रखने के लिए, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं, डाउट काउंटर फैसिलिटी जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से, स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, मैं आरपी सर, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन मेजर कलसी क्लासेस। बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं एयरफोर्स के मॉक टेस्ट के फिजिक्स के सेगमेंट का सलूशन। तो देखते हैं बच्चों, पहला सवाल है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर होता है ई डॉट ए, और ई डॉट ए क्या होता है भाई, ई तो होता है हमारा एफ अपान में क्यू और इंटू ए, एफ का डायमेंशन क्या होता है एम एल और टी की पावर माइनस टू, क्यों बराबर होता है आई इंटू टी दैट इज ए इंटू टी, और यहाँ से ए क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो एम एल क्यूब और ए की पावर ऊपर जाएगा माइनस वन और टी की पावर क्या आ जाएगा माइनस थ्री। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं भाई, इफ़ ए क्रॉस बी बराबर जीरो देन ए एंड बी बोथ इक्वल टू जीरो, एंगल बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी जीरो, एंगल बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी जीरो, मस्ट बी 90 होना चाहिए एंड ए मस्ट बी जीरो। तो भाई ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए दैट इज ए बी साइन थीटा और एन कैप। ये कब जीरो हो सकता है, अगर ए जीरो हो तब भी जीरो हो जाएगा, बी जीरो हो तब भी जीरो हो जाएगा, और थीटा क्या हो, थीटा जीरो हो तब भी जीरो हो जाएगा। तो कह रहा है ए बी बोथ इक्वल टू जीरो तो ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर एंगल बिटवीन मस्ट बी जीरो, अगर एंगल क्या हो जाएगा दोनों जीरो हो जाएगा तो मतलब ही नहीं, एंगल जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए मस्ट बी जीरो, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई एस इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी का स्क्वायर देन एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। भाई हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं क्या, डी वी ओवर डी टी, लेकिन वेलासिटी नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, वेलासिटी निकालने के लिए डी एस ओवर डी टी कर देंगे। तो ये डी एस ओवर डी टी करेंगे तो ए ना ये लिखेंगे इसको डी डी टी ऑफ ए नॉट प्लस ए वन इंटू टी और प्लस क्या आ जाएगा ए टू इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ए नॉट इसका करेंगे जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे ए वन प्लस टू ए टू और ये क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। फिर अगर इसका हम लोग क्या करेंगे अगेन, ये तो बी आ गया, इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वी ओवर डी टी, ये तो कांस्टेंट है जीरो आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टू ए टू इंटू वन दैट इज टू ए टू। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है इफ अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर हाई 200 मीटर एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बेस ऑफ टावर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू मीट बोथ साइड। तो भाई एक ऑब्जेक्ट है उसको अंडर ग्रेविटी ऊपर से गिराया गया है, एक ऑब्जेक्ट है उसको अंडर ग्रेविटी गिराया गया है, तो और एक ऑब्जेक्ट है इसको हम 40 मीटर पर सेकेंड की वेलासिटी से क्या किए हैं, 40 मीटर पर सेकेंड की वेलासिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किए हैं। मान लेते हैं कि हम टी समय बाद दोनों मिलेंगे, तो टी समय बाद इसका दोनों का हाइट क्या है, टी समय में दूरी चला कौन, ये वाला चलेगा हाफ जी टी स्क्वायर और ये वाला चलेगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और दिस इंटायर विल बी इक्वल टू क्यों भाई, ये देखो जहाँ पे मिलेंगे, मान लो यहाँ पे मिलेंगे तो कुछ दूरी ये चला कुछ दूरी ये चला, दोनों का सम जहाँ पे मिलेंगे कितने 200 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला तो अंडर ग्रेविटी आ रहा है हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला उसी समय में कहाँ जा रहा है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यू टी बराबर क्या आ गया 200, यू का मान 40 दिया है इंटू टी बराबर क्या आ गया, तो यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा 5 सेकेंड आ जाएगा,
फाइव सेकेंड, तो फाइव सेकेंड बाद दे बोथ ऑब्जेक्ट आर गोइंग टू बी मीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलासिटी देन वेलासिटी ऑफ बॉडी। फोर्स जो कह रहा है यहाँ पे, जो फोर्स कह रहा है, फोर्स के बारे में कह रहा है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलासिटी है, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। कह रहा है देन वेलासिटी ऑफ द बॉडी, तो वेलासिटी के बारे में पूछा है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बराबर क्या आ गया, फोर्स बराबर के अपान में बी आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी, डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी बराबर के अपान में क्या आ जाएगा, बी। या इसको ऐसे कर लो, फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर ये क्या आ जाएगा, के इंटू वी। और एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, ये मास तो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डी वी ओवर डी टी, वही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था उसी को बोल रहे हैं। और यहाँ से क्या आ जाएगा, के इंटू के अपान में वी, इसको हम लिखेंगे वी डी वी बराबर ये आ जाएगा के इंटू डी टी और के अपान में एम, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी स्क्वायर, जीरो से लेकर वी तक इंटीग्रेट करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा के अपान में एम इंटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो वी बराबर क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको नया कांस्टेंट बोल देते हैं, ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, टी, मतलब उसके स्क्वायर रूट, टाइम के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है इफ़ अ बुलेट इज फायर्ड विद गन रिक्वायर्स वेलासिटी ऑफ गन कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग। कह रहा है जब एक गन है भाई, एक गन है ये, इस तरीके से एक गन है, और ये गन क्या करती है, फायर करने के बाद ये पीछे जाती है। अगर मान लो ये एम मास की वेलासिटी वी वेलासिटी से इधर जा रही है और ये हमारा मास ये है, तो इसकी रिक्वायर वेलासिटी हम वी बोल रहे हैं, तो ये क्या होता है, जो रिक्वायर वेलासिटी होता है वी बराबर होता है माइनस का एम वी अपान में कैपिटल एम। अब जितना ज़्यादा मास हम लोग यूज करेंगे उतनी कम आएगी वेलासिटी, क्योंकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम क्या करें, गन को हैवी रखेंगे तो रिक्वायर वेलासिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, इसका मतलब हैवी गन यूज करके। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास आर मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस R1 एंड R2 विद सेम स्पीड, तो रेशियो ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। कह रहा है मास सेम है और क्या, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, तो भाई पहला जो F1 होगा सेंट्रिपिटल फोर्स, F1 बराबर आ जाएगा MV1 का इस सर्कुलर पाथ, सेम स्पीड भी है, MV स्क्वायर अपान में R1 है, और F2 जो हो जाएगा भाई ये क्या आ जाएगा, MV स्क्वायर अपान में R2। मास और वेलासिटी सेम दे रखा है, अगर हम F1 अपान F2 करेंगे बच्चा तो ये हमारा R2 ऊपर चला जाएगा, R1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो R2 अपान R1 दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, मोमेंटम ऑफ हैवी एंड लाइट बॉडी इज सेम, मोमेंटम सेम दे रखा है और हम लोग जानते हैं रिलेशन, कह रहा पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2mk होता है। अगर मोमेंटम को कांस्टेंट कर दें तो एम के बराबर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपान में टू। और अगर मोमेंटम सेम है मतलब नहीं बदल रहा है तो एम के को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, मास, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। कह रहा है कि हैवी बॉडी विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, तो हैवी वाले के पास कम होगी, लाइटर बॉडी विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, तो हैवी बॉडी विल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है वेट लिफ्टर लिफ्ट 300 kg वेट इन 3 सेकेंड अप टू हाइट 2 meter एवरेज पावर, तो पावर बराबर क्या होता है, पी एवरेज बराबर होता है वर्क डन अपान में टाइम, वर्क डन कितना हुआ MGH और अपान में टाइम कितना है 3 सेकेंड का, एम कितना है 300 है बच्चा, और जी का मान 10 यूज कर ले रहे हैं, और कितना हाइट उठाया है 2 meter अपान में क्या आ जाएगा 3, ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा भाई, जी का मान 9.8 यूज कर लो, जी का मान क्या है 9.8 यूज करोगे तभी आंसर आएगा, वैसे आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, यहाँ पे 9.8 यूज करेंगे तो 960 आ जाएगा, अगर 10 यूज करते तो 2000 आ जाता, और 2000 आ जाता तो हम लोग नियर बाई ऑप्शन क्लिक कर देते, तो हमारा कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्वांटिटीज विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो भाई देखें
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है पूरे सिस्टम की, और क्या होता है मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी नहीं, पूरे सिस्टम की कंजर्व रहती बच्चा, ईच बॉडी की नहीं रहती, तो ये तो गलत हो गया। मोमेंटम ऑफ ईच बॉडी नहीं, और क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच बॉडी, ये भी नहीं, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ईच बॉडी की नहीं, पूरे सिस्टम की बात कर रहा, ठीक है। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, इफ अ बॉडी सिट्स सडनली ऑन अ रोटेटिंग टेबल व्हिच ऑफ फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट। तो भाई क्या कह रहा है कि एक बॉय है जो क्या कर रहे हैं रोटेटिंग टेबल के ऊपर बैठ जाता है अचानक से, तो क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, तो क्या कांस्टेंट रहता है भाई। हम लोग जानते हैं अगर कोई टार्क नहीं लग रहा होता है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जे क्या रहता है, जे कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब हम लोग जानते हैं आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू, तो ये कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, जब तक कोई टार्क नहीं लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। फिर देखें फिर क्या होता है हमारा अगला सवाल है, और अगले सवाल में पूछ रखा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्स। तो एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछा है, एस्केप वेलोसिटी हम लोग जानते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है मीटर पर सेकंड, गलत है। ये सेवन, यहाँ पे सेवन माइल पर सेकंड दिया है, और सात एक मील में होता है 1.6 किलोमीटर, तो ये पर सेकंड, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब इसी 11.2 किलोमीटर को अगर हम लिखना चाहें तो 7 माइल पर सेकंड लिख सकते हैं। ये हमारा सही जवाब हो गया। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मासेज, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मासेज इंक्रीज्ड बाई 2% देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई अगर दो मास रखे हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो होता है जी एम वन एम टू अपान में आर स्क्वायर। कह रहा मास को तो हमने चेंज नहीं किया, मास को तो चेंज नहीं किया, इसका मतलब जी कांस्टेंट है, तो जो डेल्टा एफ अपान एफ इंटू 100 आएगा परसेंटेज इरर से, वो क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा पावर -2 और डेल्टा आर अपान में आर इंटू 100। कह रहा है दूरी को हमने क्या किया है, दूरी को हमने 2% बढ़ा दिया है, तो दूरी को 2% बढ़ा दोगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4%, इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा माइनस में आया, घट जाएगा 4% रिड्यूस हो जाएगा, कितना घट जाएगा 4%। फिर क्या भाई अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 है, और क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि एक टैंक है, एक टैंक है और टैंक में पानी भरा हुआ है कहाँ तक, एच हाइट तक, कहाँ तक एच हाइट तक, और यहाँ से क्या कर रहा है ये पानी भरा हुआ है लिक्विड, पानी भरा हुआ है कहाँ तक एच हाइट तक, और यहाँ पे हमने टिनी होल बनाया है तो कितनी दूर पानी जाएगा उसका रेंज पूछा है। तो रेंज का एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है हम लोग याद कर लेते हैं, दूसरा निकालना चाहें तो रेंज बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी क्या होती है अंडर रूट टू जी एच, और टाइम क्या होता है टाइम होता है अंडर रूट टू, और ये क्या आता है एच माइनस एच अपान में जी। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से 2 बाहर आ जाएगा, जी से जी कट जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट एच इंटू एच माइनस एच, एच इंटू एच माइनस एच, तो ये रेंज का फार्मूला आ जाता है। और कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 2, ये मतलब कौन सा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है भाई एक्सिस प्रेशर इनसाइड 2 सोप बबल आर इन द रेशियो 4:1 देन रेशियो ऑफ दियर रेडाई। तो एक्सिस प्रेशर जो होता है उसको हम लिखते हैं P1 अपान P2 का जो मान दिया है वो दिया है 4:1 क्या है 1 है, तो P1 क्या होता है 2T अपान में R1 और P2 क्या होता है 2T अपान में सॉरी ये क्या है सोप बबल है, तो सोप बबल में 4T अपान में R2, और यहाँ पे हमने रख दिया तो ये क्या आ गया 4:1, तो यहाँ से R2 अपान R1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4:1, और यहाँ से R1 अपान R2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1:4, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 1:4 दैट इज ए ऑप्शन करेक्ट। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है बच्चा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ रॉड ऑन हीटिंग डज नॉट डिपेंड। तो जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो जो डेल्टा एल होता है वो होता है एल अल्फा डेल्टा टी, इस पे डिपेंड करता है, इनिशियल लेंथ पे करता है, सॉलिड और हॉलो इस बात पे नहीं डिपेंड करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है क्योंकि मटेरियल से अल्फा डिफाइड होता है। इसका मतलब ये हमारा सॉलिड और हालो है इस बात पे निर्भर नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है स्टेशनरी वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन। तो स्टेशनरी वेव जिसमें क्या होता है एनर्जी प्रोपोगेट नहीं होती, केवल मीडियम के पार्टिकल अपनी पोजिशन पर एक्सीलरेट करते हैं, तो अगर दोनों सिरे पर बंधी हुई है, पहला ऑप्शन में कह रहा है कि स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ इन, तो स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड में क्या हो जाएगा इस तरीके से जाएगी वेव और इस तरीके से रिटर्न होके आ जाएगी, तो इसमें तो ये स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो गया।
फिर क्या है, फिर स्ट्रिंग फिक्स एट वन इन एंड वन इंड फ्री, एक जगह फिक्स कर दिया है और दूसरे जगह पे क्या है भाई, यहाँ से जाएगा और वेव रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, आ जाएगी, यहाँ भी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो सकता है, ये भी इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड बाई वाल, एक वाल है और वाल पे वेव आई है और ये रिजिड एंड है, जब रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो वो क्या होती है, इसी तरीके से वापस आ जाती है, इसका मतलब सभी के द्वारा हम लोग स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि कंडक्टर है चार्ज ऑफ 9.6 × 10^26 कूलम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्यों बराबर हम जो जानते हैं एन इंटू ई, और यहाँ पे क्या है जो चार्ज दिया है 9.6 × 10^26 है और ये एन, और यहाँ से हम क्या है ई से डिवाइड कर देंगे, तो एन का मान निकालना होगा, तो 9.6 × 10^26 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10^-19, ये इससे कट जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा और ये ऐड होकर क्या आ जाएगा 10^45, तो 6 × 10^45 इज द करेक्ट ऑप्शन, 6 × 10^5, यहाँ पे 6 × 10^45 इज करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल है भाई, अगले सवाल में कह रहा है हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, चार्ज इन अ सच अ वे दैट पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट, पोटेंशियल एट इट्स सेंटर विल बी, सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रहा है भाई, इस पे सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पूरे थ्रू आउट द कंडक्टर, चालक के भीतर उतना ही पोटेंशियल रहता है, पोटेंशियल पूरा चालक में क्या होता है एक समान होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल का मान जीरो नहीं होता है, दैट इज अगर ये 10 वोल्ट पोटेंशियल सरफेस पे है तो अंदर भी क्या होगा 10 ही वोल्ट रहेगा। फिर क्या है भाई अगला सवाल है, और अगले सवाल में पूछ रहा है कि दो वायर हैं सेम लेंथ के हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस P1 और P2 है, कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये ऐसा बोल रहा है हमारे पास दो कंडक्टर हैं, दोनों का क्या है लेंथ सेम है और इस तरीके से हमने क्या किया है एरिया भी सेम है, ये L है और L है, इसका P1 है रेजिस्टिविटी, इसका P2 है, तो अगर हम लोग R इक्विवेलेंट की बात करें सीरीज में तो ये होता है R1 + R2, अच्छा यहाँ पे रो इक्विवेलेंट आएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी 2L/A बराबर यहाँ पे रो वन बोले तो P1 के टर्म में दिया है तो P1 के टर्म में ही लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा पी इक्विवेलेंट बराबर P × L/A प्लस P × L/A, L/A से L/A कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 2P इक्विवेलेंट बराबर ये क्या आ जाएगा P1 + P2, यहाँ से P इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा P1 + P2/2, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है लेंथ ऑफ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम इज मेड 3 टाइम्स बाय इलांगेटिंग रिमेंस अनचेंज, देन रिव बाय इलांगेटिंग रिमेंस अनचेंज, देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो भाई अगर हम उसको क्या करेंगे 3 गुना बढ़ा देंगे उसकी लंबाई उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बिना चेंज किए, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा R बराबर होता है ρ L/A, हमने क्या किया है अगर इसके एरिया को चेंज नहीं किया है और उसकी लेंथ को बढ़ा दिया है 3 टाइम, लेकिन ये वॉल्यूम है, यहाँ पे सवाल में क्या होगा सवाल में लिखा नहीं है, ये रिमेंस अनचेंज, यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम रिमेंस अनचेंज वॉल्यूम, तो हम लोग जानते हैं अगर उसकी लंबाई को n टाइम्स बढ़ा रहे हैं, L' है n टाइम्स L कर रहे हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो n² टाइम्स हो जाता है R' तो यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 3² × 10 दैट इज 90 ओम, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया बच्चा कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल देखते हैं, ये हमारा कौन सा आ गया 90 ओम करेक्ट ऑप्शन आ गया 90 ओम करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, और 47 में कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N विल बी, तो देखें तो यहाँ पे रेशियो क्या है सेम है, व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है क्या 6/3 करेंगे और 12/6 करेंगे, तो ये रेशियो भी क्या आएगा 2 आएगा, ये रेशियो भी 2, इनका रेशियो सेम है, मतलब ये वाला हमारे काम का नहीं है, हटा दिया, 6 और 3 का करेंगे 9 आएगा और यहाँ 12 और 6 का करेंगे तो 18 आएगा, जो कि किस में जुड़े हैं पैरेलल में जुड़े हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/9 + 1/18, तो ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा हमारा 6 ओम, इसका पूरा क्या आ जाएगा 6 ओम, और 6 ओम 6 ओम 6 ओम तीनों किस में जुड़े हुए हैं पैरेलल में, तो 1/6 + 1/6 + 1/6 ये क्या आ जाएगा 3/6 दैट इज 2 ओम, तो यहाँ से 1/r की वैल्यू आ रही थी तो r बराबर क्या आ जाएगा 2 ओम, तो 2 ओम हमारा सी ऑप्शन में है करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल इज गिवन बाई
दिस एक्सप्रेशन 5 बराबर 10t² - 50t + 250 इंड्यूस ईएमएफ पूछ रखा है बच्चा, तो इंड्यूस ईएमएफ ई बराबर होता है माइनस का d∅/dt, माइनस का d∅/dt, माइनस रहने दो, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 20t और माइनस 50, 20t माइनस 50। अब कह रहा है किस समय पे, t = 3 सेकंड पे, तो t = 3 सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे हम कितना 60 और माइनस कितना 50, 60 माइनस 50 ये 10 आएगा, लेकिन माइनस आगे लगा हुआ है तो ये क्या आ जाएगा e = -10 volt, दैट इज ऑप्शन नंबर 48। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड 5 m/s इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, देन स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो मान लो कि ये एक मिरर है और इस मिरर के सामने क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और ये किस 5 m/s से चल रहा है, तो इसका इमेज उतनी ही दूरी पे बना होगा और ये भी इधर आ रहा होगा 5 m/s से, तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी आता है 2v और 2 × 5 दैट इज 10 m/s, मतलब उस पर्सन के रिस्पेक्ट में या उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो हमको लगेगा बड़ी तेजी से आ रहा है, जबकि मिरर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो 5 m/s ही हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा, ए वाला करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है जो कि अंतिम सवाल है बेटा, और ये सवाल दे रखा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 6 cm बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट इमेज ऑफ लेंथ 2 cm, तो हम लोग जानते हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है f/f - u, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या है v का मान 2 दिया है और o का मान 6 दिया हुआ है, बराबर f का मान कितना है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव रहेगा 60 - u, यहाँ से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 बराबर 60/60 - u, यहाँ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 - u बराबर ये कितना आ जाएगा 180 इधर आएगा, u इधर जाएगा, तो u का मान कितना आ जाएगा -120 cm, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, माइनस में है क्योंकि ये लेफ्ट साइड होगा, बाकी पोजीशन कहाँ होगी 120 cm। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है MKC का ऑनलाइन क्लास MKC लर्निंग ऐप पर, जहाँ पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। MKC के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है, जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं सेम फैसिलिटीज हमने दी MKC के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे MKC लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे, तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत। अगर यहाँ पे देखते हैं तो पहला जो वर्ड है कह रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच इज द नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द कैपिटल ईटर्स। अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि नियरेस्ट मतलब सिनोनिम्स की बात कर रहा है, तो वर्ड अपने पास है टिमिड, और टिमिड का मतलब होता है डरपोक, जैसे कावर्डली के सेंस में हम यूज़ करते हैं, तो जैसा कि आंसर मिल ही गया होगा, अगर हम टिमिड कहीं देखते हैं तो टिमिड का मतलब होता है डरपोक, मतलब कावर्डली। प्लकी की अगर हम बात करते हैं तो प्लकी का मतलब होता है हीरोइक, बहुत साहसी या हिम्मती कोई कार्य हो। वेटरन की बात करते हैं तो वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, मतलब जो अनुभवी होता है, तो उसके लिए हम वेटरन की बात करते हैं। फियरफुल की बात करते हैं तो फियरफुल का मतलब होता है फ्राइटेंड, मतलब डरा हुआ। यहाँ पे अगर एक्चुअल में बात करते हैं तो टिमिड का जो सबसे करीबी वर्ड होगा वो होगा कवर्डली, तो यही ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले की ओर मूव करते हैं तो अगला भी सिनोनिम से ही रिलेटेड है। फिर कह रहा है इरेडिकेट, और इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को एबॉलिश कर देना, मतलब समाप्त कर देना या उन्मूलन कर देने के अर्थ में हम यूज़ करते हैं। यह कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है मेक कॉम्प्लेक्स, मतलब किसी चीज़ को आप जब बहुत जटिल बना देते हो तो उसी के अर्थ में हम इरेडिकेट का यहाँ पे कॉम्प्लिकेट का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इंडिकेट है, इंडिकेट का मतलब होता है चिन्हित करना, किसी चीज़ को आप जब इंडिकेट करते हो पॉइंट आउट करना। फिर यहाँ पे डेडिकेट,
डेडिकेट से ही डेडिकेशन बनता है, तो समर्पण के लिए हम डेडिकेट वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे इलिमिनेट है, इलिमिनेट का मतलब हटाना या समाप्त करने के अर्थ में यूज करेंगे। अगर एक्चुअल में देखोगे तो इरेडिकेट का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इरेडिकेट का मतलब भी होता है कि उन्मूलन करना, एबॉलिश करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, और इसी तरीके से इलिमिनेट का भी वही अर्थ होगा। तो इरेडिकेट का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो 53 में अगर आप देखेंगे तो अपोजिट की बात कर रहा है। अपोजिट में हम देखेंगे विलोम शब्द की बात कर रहा है, तो यहाँ पे शब्द अपने पास है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है स्लगिश, या फिर आप कह सकते हो लेजी। लेजी बोलोगे या फिर आप बोलोगे स्लगिश, ठीक है। अब आपने बोला स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, बहुत ज़्यादा जो सुस्त हो उसको बोलेंगे। डिजायरेबल की बात करते हो तो एक प्रकार से आप प्लीजिंग के सेंस में भी यूज़ करते हो, प्लीजिंग के साथ साथ आप जिसे आप वांछनीय या अवांछनीय के सेंस में यूज़ करते हो। इंडोलेंट है, इंडोलेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडोलेंट के एक्चुअल में मतलब होता है लेजी, यहाँ पे लेजी हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो स्लगिश, जो बहुत ज़्यादा सुस्त हो, आलसी हो, उसके लिए हम इंडोलेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। डिजायरेबल की अगर हम बात करते हैं तो प्लीजिंग के सेंस में यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एडिक्वेट की बात करते हैं तो एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ, मतलब पर्याप्त का जब भी आप भाव प्रकट करते हो तो एडिक्वेट कहलाता है। और ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान। तो यहाँ पे कंसिस्टेंस अगर देखोगे तो कंसिस्टेंट की बात करते हो तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो सतत, बिना रुके, एक प्रकार से आप कह सकते हो क्रमिक रूप से अगर कोई कार्य होता है तो उसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो एक तरफ यहाँ पे सुस्ती की बात हो रही है, एक तरफ ऊर्जावान की बात हो रही है, तो बेशक सी बात है यही इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट की बात कर रहा है। आइए यहाँ पे बात करते हैं, फ्रगल है अगला वर्ड है अपने पास, फ्रगल। और फ्रगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, जो मितव्ययी होता है, जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रगल। और यहाँ पे अगर देखते हैं गॉडी, गॉडी का मतलब एक्चुअल में होता है आकर्षक, जो बहुत ज़्यादा आकर्षक हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गॉर्जियस के सेंस में। और एक्स्ट्रा यहाँ पे जेनरस है, जेनरस का मतलब होता है लिबरल, मतलब उदार के अर्थ में, उदार हो तो उसके लिए जेनरस का यूज़ करेंगे। अगर एक्स्ट्रा वैगन की बात करते हैं तो ये होता है फिजूल खर्ची, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चा करता हो वही फिजूल खर्ची कहलाता है, या एक प्रकार से उसके लिए हम एक्स्ट्रा वैगन के वर्ड का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रगल है, जो बहुत ज़्यादा कंजूस हो और एक तरफ बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, तो फ्रगल का सही ऑप्शन सी वाला होगा। बट हम बात करते हैं चैरिटेबल, तो चैरिटी से बना है, तो दान देने लायक, जब या एक प्रकार से कह सकते उदार या धर्मार्थ के अर्थ में यूज़ करते हैं, तो 54 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात आ रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करता है, तो इसमें ये प्रैक्टिस से ही आता है, जितनी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस होंगी उतना ही बेहतर होता है। तो बात करते हैं ओकेजन, ओकेजन की बात करते हैं तो इसमें शुरुआत में यानी इसकी स्पेलिंग होती है ओ डबल सी से, यानी ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, ओकेजन होता है। तो यहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, और इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जैसे मैंने कहा कि कुछ स्पेलिंग के रूल्स होते हैं उसके कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी हमारी किसी शब्दों पे पकड़ है, राइटिंग स्किल पे। तो ओकेजन की स्पेलिंग यही होगी, तो 55 के सी ऑप्शन को हम चूज़ कर लेंगे। आइए अगला समझते हैं। अगला ये बात कर रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक्चुअल में बात हो रही है, तो कह रहा है कि पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको लंबे समय का एक्सपीरियंस है उसे क्या बोलेंगे, स्टॉलवर्ट या पेडेंटिक या इटिनरेंट या वेटरन। स्टार्टिंग में ये वर्ड आया भी था, तो अगर कहीं ना कहीं आप कहीं लिंक किए होंगे तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हो। स्टॉलवर्ट की बात करते हैं तो स्टॉलवर्ट तो इसका मतलब होता है निष्ठावान, जो बहुत निष्ठावान व्यक्ति होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। पेडेंटिक का मतलब होता है एक प्रकार से एजुकेटेड कह सकते हो, जिसके पास अच्छा ज्ञान होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, तो एजुकेटेड के अर्थ में हम इसका यूज़ करते हैं पेडेंटिक। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इटिनरेंट, इटिनरेंट का मतलब होता है भ्रमणकारी, मतलब एक स्थान पे अगर कोई व्यक्ति नहीं टिकता हो, भ्रमण करता रहता हो, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं इटिनरेंट। और जिसके पास लंबे समय का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेटरन। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, तो पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस उसको बोलेंगे वेटरन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला फिर idioms और phrases की बात कर रहा है, तो idioms and phrases में देखते हैं, तो कह रहा है कि to get into hot waters, ठीक है। अब जैसे ही आप बात करते हैं to get into hot waters, तो यहाँ पे देख लो to get into hot waters मतलब गर्म पानी में, तो get into hot waters का मतलब होता है कि अपने आप को परेशानी में डाल देना या अपने आप को मुसीबत में, मुसीबत मोल लेना या मुसीबत में डाल देना, उसी के अर्थ में हम यूज़ करते हैं टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। यहाँ पे कह रहा है टू बी इम्पैशेंट या टू सफ़र अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस या टू गेट इनटू ट्रबल या टू बी इन अ कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। तो टू बी इम्पैशेंट नहीं होगा कि धैर्य खो देना, ये बिल्कुल नहीं होगा, या टू सफ़र अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा वित्तीय हानि होना, यह भी नहीं होगा, बल्कि टू गेट इनटू ट्रबल ये परेशानी में पड़ना, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्योंकि लास्ट वाला देखोगे आप तो टू बी इन अ कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहे, तो वो इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो टू गेट इनटू हॉट वाटर्स मतलब टू गेट इनटू ट्रबल। आइए अगले की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 58 की देखते हैं क्या कह रहा है। 58 में एक्चुअल में कह रहा है स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड को समझते हैं। एक एक पार्ट को आप पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे यू कैन गेट, यहाँ पे लिखा है यू कैन गेट, तो हमें पता है कि यू है, कैन है, गेट है, तो कैन के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये क्लियर है। कह रहा है कि ऑल द इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट इन दिस बुक मतलब यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, आप सभी सूचनाओं को इन्फॉर्मेशन को पा सकते हैं। You want in this book जो आप इस किताब में चाहते हैं, तो you want in this book। अब समझते हैं, अगर आप इस वर्ड को देखो informations लिखा है, तो आप noun topic के अंतर्गत होते हैं कुछ nouns जो दिखने में भी singular होते हैं और उन्हें actual में singular माना ही जाता है, मतलब जैसे money, poetry, ज्वेलरी, scenery, machinery, उसी तरीके से luggage, baggage, postage, wastage, तो उसी के अंतर्गत information भी आता है। तो इन्फॉर्मेशन को आप इन्फॉर्मेशन नहीं लिखोगे, मतलब इन नाउन के साथ कभी भी एस या एस लगा करके इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। हाँ, कुछ एक्सप्रेशंस आप जरूर यूज़ कर सकते हो, अ काइंड ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, उसी तरीके से अ पीस ऑफ, इसी तरीके से कुछ एक्सप्रेशंस का आप यूज़ कर सकते हो, बट कभी भी एस या एस का यूज़ नहीं करोगे। तो मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक बी वाले पार्ट में है। अगले की ओर मूव करते हैं और 59 को देखते हैं। 59 अगर देखेंगे तो कह रहा है कि दिस इज द बॉय हुम आई थिंक हैड वोन द गोल्ड मेडल इन द डांस कंपटीशन। कह रहा है कि दिस इज द बॉय हुम आई थिंक, जिसको मैं सोचता हूँ, ओके, हैड वोन द गोल्ड मेडल मतलब जिसने डांस कंपटीशन में गोल्ड मेडल को जीता है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो कि दिस इज द बॉय, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि हुम आई थिंक हैड वोन द गोल्ड मेडल, ये सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर whom की बात करते हो, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि who जो होता है वो एक्चुअल में सब्जेक्टिव केस होता है और इसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है whom, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, तो who का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, बेसिक सी बात है, who का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, whom होगा। अब पॉइंट ये है, किसी भी सेंटेंस में जब भी हम किसी भी वर्ब की बात करते हैं, तो हमें चेक करना होगा कि उसका सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको हटाऊँ अगर, तो ये थिंक का सब्जेक्ट क्या है, आई है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये हैड किसके लिए, हैड का सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्ट तो कभी भी अगर आप देखोगे हैड वर्ब है, तो हैड तो अपने लिए कभी भी ऑब्जेक्ट लेगा नहीं, यानी इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट के रूप में हम हु का यूज़ करेंगे कि हुम का, तो इसलिए यहाँ पे हुम नहीं होगा बल्कि हु का यूज़ होगा। तो एक प्रकार से आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आप इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको हटा दो और यहाँ पे हुम के स्थान पे हु लगा के आप पढ़िए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दिस इज द बॉय हु हैड वोन द गोल्ड मेडल इन द डांस कंपटीशन, तो आप देखोगे आई थिंक आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है, तो इसका सब्जेक्ट जो है एक प्रकार से आप बोलोगे कि यहाँ पे हैड जो है वो यहाँ पे हु के अकॉर्डिंग होगा, एक प्रकार से ये हैड आया है बॉय के लिए, एंटीसीडेंट के अनुसार यूज किया जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो गलती है बी पार्ट में। अगले की ओर मूव करते हैं और अगला कह रहा है कि विशाल इज वन ईयर जूनियर देन मदन इन आवर ऑफिस। इसका मतलब विशाल जो है कि हमारे ऑफिस में एक साल मदन से छोटा है। विशाल इज वन ईयर जूनियर देन मदन इन आवर ऑफिस,
तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे विशाल इज वन ईयर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर वर्ड आया है, तो जैसे ही जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, उसी तरीके से इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, तो ये कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं। बात आती है जब लैटिन एडजेक्टिव्स की, तो इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन की कंडीशन अप्लाई होती है। इन जनरल हम जब भी कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज़ करते हैं, बट एक्सेप्शंस जो होते हैं हर जगह होंगे, तो एक्सेप्शनल जब कंडीशंस बनती है तो ऐसी स्थिति में हम जूनियर, सीनियर और प्रायर और उसी तरीके सुपीरियर, इन्फीरियर, ऐसे वर्ड्स अगर यूज़ किए जाते हैं तो देन नहीं आएगा, बल्कि देन के स्थान पे आप प्रीपोजिशन टू का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो सी वाले पार्ट में। चलिए अगले की ओर मूव करते हैं, और अगले की अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि प्लीज डोंट गो अवे सी सेड। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बात हो रही है, और अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज से शुरू की जा रही है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है और रिक्वेस्ट की, या कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये रिक्वेस्ट से रिलेटेड सेंटेंस है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे सी सेड टू प्लीज, तो किसी भी सेंटेंस को अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप यूज करते हो तो यहाँ पे प्लीज लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक प्रकार से ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हट जाएगा। और दूसरा ये भी आप कह सकते हो कि जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं तो ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, ये एडवाइज्ड या बिग्ड, ऐसे एक्सप्रेशंस का जरूर यूज़ किया जाता है। दूसरा यहाँ पे टोल्ड मी के एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं होता है, तो ये भी आप हटा दोगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। तो अब बात आती है कि ये होगा कि ये वाला। तो ऐसी स्थिति जब हम बात करते हैं कि इम्पेरेटिव से होता है, तो ऐसी स्थिति में ये सी बिग्ड दैट आई नॉट गो अवे, ये एक्सप्रेशन गलत होगा क्योंकि दैट का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो भी मेन वर्ब आती है उसी मेन वर्ब को हम इन्फिनेटिव के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये वाला हट जाएगा, तो ये वाला होगा सी बिग्ड मी नॉट टू गो अवे, यही इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, अगले की ओर फिर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन एक्चुअल में एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड है। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो सेंटेंस कह रहा है आई नो हिम, और जैसे हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जनरली हमें कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। बेसिक चीज़, बिना सेंटेंस में यानी अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो सेंटेंस को पैसिव वॉइस में निर्माण संभव नहीं है, मतलब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे देखो, आई नो हिम की बात करते हैं तो आई नो हिम एक्चुअल में जो दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का हम यूज़ करते ही हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हट जाएगा और ये वाला भी हट जाएगा। अब या तो ये वाला होगा और या तो लास्ट वाला होगा। अब चलिए समझते हैं कौन सा होगा। आई नो हिम, अब जैसे ही यहाँ पे देखोगे ही इज़ नोन तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे हिम लिख दिया गया है। अब इसमें तर्क क्या निकल के आ रहा है कि ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं, यानी कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी जिनके साथ हम बाई का यूज़ नहीं करते बल्कि कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, उनमें से नो भी शामिल है। तो जब भी नो की बात करते हैं तो एक्चुअल में नो के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, तो ही इज़ नोन टू मी सही ऑप्शन माना जाएगा। अगले की ओर मूव करते हैं 63 में। 63 कह रहा है ये फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, तो इसमें सही प्रीपोजिशन को हमें चूज करना है। तो कह रहा है ही वॉज सरप्राइज डैश द न्यूज़, मतलब वो न्यूज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था, ये सरप्राइज था। अब यहाँ पे सरप्राइज के साथ क्या आना चाहिए, या तो ओवर आएगा, या तो एट आएगा, या तो बाई आएगा, या तो विद आएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हर जगह यानी आपके एग्जाम्स की बात करते हैं तो प्रीपोजिशंस को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो रूल बेस्ड प्रीपोजिशंस होते हैं जिसमें आप इन के बहुत सारे यूजेस पढ़ते हो, ऐड के बहुत सारे यूजेस पढ़ते हो, उसी तरीके अगेंस्ट के बारे में आप, टू, टूवर्ड्स, इन सभी के बारे में आप डिटेल में पढ़ते हो। दूसरा क्या होता है कि कुछ वर्ब्स होती हैं या कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं या कुछ नाउन्स होते हैं, उनके साथ अगर प्रीपोजिशनल कंडीशन अप्लाई होती है तो हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन को अप्लाई करते हैं। जैसे हम बात करते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, मतलब जैसे मैंने कहा इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड आएगा तो उसके साथ आप इनका यूज़ करोगे। उसी तरीके से एम, एम के साथ आप एट ही यूज़ करोगे। उसी तरीके से यहाँ पे सरप्राइज्ड आएगा तो इसके साथ भी एट का ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें रूल्स अप्लाई नहीं करोगे बल्कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन की कंडीशंस को अप्लाई किया जाता है। आइए फिर से समझते हैं। अगला कह रहा है कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट डैश माय बिलोंगिंग्स। ठीक है, अब समझते हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मैं अपनी बिलोंगिंग्स से अलग हो सकूँ। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट,
तो जब भी पार्ट आता है तो पार्ट के साथ हम दो तरीके के प्रीपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं, एक तो हम विद का यूज़ करते हैं और दूसरा यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पार्ट के साथ जब हम विद की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी पर्सन की बात आती है, पर्सन यानी जो सेपरेट हो गए किसी से, आप सेपरेट होते हो, अलग हो जाते हो, तो अगर पर्सन से आप अलग होते हो तो पार्ट के साथ हम फ्रॉम का यूज़ कर देते हैं, और विद की कंडीशन होती है तो हम वस्तु से अलग होने के अर्थ में यूज़ करेंगे। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे विद का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि बिलोंगिंग से बात हुई है तो इसलिए थिंग के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, ये हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वॉज डैश ब्रोकन ऑफ, ब्रोकन ऑफ की बात करते हैं तो अलग होने के अर्थ में यूज़ होता है। उसी तरीके से फॉल, फॉलन ऑफ लिखा है, फॉल ऑफ का मतलब होता है एक प्रकार से आप कह सकते हो इसका भी डिटैच्ड के सेंस में यूज़ करोगे तो बिकम डिटैच्ड के अर्थ में हम यूज़ करेंगे। और कॉल्ड ऑफ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कैंसिल अ प्लान की बात करें या मीटिंग की बात करते हैं या किसी इवेंट को जब कैंसिल कर दिया जाता है तो उसके अर्थ में हम कॉल्ड ऑफ का यूज़ करते हैं, कॉल ऑफ। और सेट असाइड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई चीज़ सेव करके रखना, वही कहलाता है। तो यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग हम सी वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। आइए पैसेज की ओर मूव करते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि पैसेज को आप दो तरीके से पढ़ सकते हो, दो तरीका, पहला या तो आप पैसेज पढ़ते जाइए और पैसेज को पढ़ने के बाद उसकी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जो उसकी थीम है और उसके कॉन्सेप्ट को या जो बात कही गई है पैसेज को उसको आप रखिए दिमाग में और उसके बाद क्वेश्चन को रिप्लाई करते जाइए। दूसरे की बात करते हैं तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और क्वेश्चंस के बाद आप पैसेज को पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को ही पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में जब बात पूछी गई होती है तो उनको अंडरलाइन करना या आप कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, अगर ऑनलाइन देते हैं तो आप काउंट कर सकते हो कि किस पैराग्राफ में है या किस लाइन में कुछ न कुछ बात कही गई है जो क्वेश्चंस में पूछी गई थी। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। तो कह रहा है कि द ऑथर फील्स सेड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, मतलब जो ऑथर है, लेखक है, वो अपने जीवन के जो लेटर पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा सैड महसूस करता है बिकॉज, आप समझते हैं। फिर कह रहा है कि द विक्ट्रीज, ठीक है, द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट, समझते हैं ये क्या है। फिर कह रहा है कि द वर्ड डेफिनेटिव एज यूज इन द पैसेज मीन्स, मतलब पैसेज में एक शब्द यूज़ किया गया है डेफिनेटिव, उसका मतलब क्या होता है। फिर उसी तरीके से कह रहा है कि ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज पीपल बिलीव दैट देयर वुड बी अनलिमिटेड फ्रीडम, मतलब विक्टोरियन एज के दौरान लोगों का मानना था कि अनलिमिटेड फ्रीडम होगी। फिर कह रहा है अ ब्रीफ इंटरल्यूड बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर बारबेरिज्म कैन बी इंटरप्रेटेड एज, मतलब भविष्य और पास्ट के बीच का जो मध्य अवकाश है, जो है ना बारबेरिज्म को लेकर के, उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, ठीक है। अ ब्रीफ इंटरल्यूड बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर बारबेरिज्म कैन बी इंटरप्रेटेड एज, तो ये समझते हैं ये सब क्या है। तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे और फिर एक एक करके हम जवाब देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पैसेज को रीड करना। तो कह रहा है कि द हाफ ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन, द हाफ ऑफ द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ has been lived in one of those painful epochs of human history during which the world is getting worse. तो इसका मतलब ये कह रहा है कि मेरे जीवन का जो है आधा हिस्सा has been lived in one of those painful epochs of human history. तो इसका मतलब है कि कह रहा है कि मानव इतिहास का वो दर्दनाक युग है during which the world is गेटिंग वर्स, जिसके दौरान जो विश्व है वो बद से बदतर होता जा रहा है। एंड पास्ट विक्ट्रीज विच हैड सीम्ड टू बी डेफिनेटिव, जो पास्ट की जो जीते थी विक्ट्रीज थी जो प्रतीत हो रही थी कि वो डेफिनेटिव थी, वो अंतिम थी, ये फाइनल थी, हैव टर्न्ड आउट टू बी ओनली टेम्पररी, इसका मतलब वो केवल क्षणिक रूप से वो सिद्ध हुई या हुई। When I was young, जब मैं छोटा था, Victorian optimism was taken for granted. जब मैं छोटा था तो Victorian optimism, मतलब Victorian आशावाद को हल्के में लिया जाता था। It was thought, ऐसा माना जाता था, that freedom and prosperity would speed gradually
थ्रू आउट द वर्ल्ड बाय एन ऑर्डरली प्रोसेस। ऐसा विश्वास किया जाता था, माना जाता था कि एक ऑर्डरली प्रोसेस के द्वारा ठीक आज़ादी यानी फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि उसकी गति जो है बढ़ जाएगी पूरे विश्व भर में। ओके, इन ऑर्डरली प्रोसेस एंड इट वॉज होप्ड और ऐसा आशा किया जाता था दैट क्रुएल्टी एंड टेरनी मतलब अत्याचार और निर्दयता एंड इनजस्टिसेस और अन्याय वुड कॉन्टिन्यूली डिमिनिश और वो धीरे धीरे जो होंगे समाप्त हो जाएंगे। मतलब ऐसी आशा की जाती थी कि जो निर्दयता है या अत्याचार है जो अन्याय है वो धीरे धीरे वो जो है कम हो जाएगा। हार्डली एनीवन वाज हाउंटेड बाय द फियर ऑफ ग्रेट वॉर्स। शायद ही कोई व्यक्ति जो ग्रेट वॉर्स थे उससे कोई भयभीत हुआ हो या डरा हो। हार्डली एनीवन थॉट ऑफ द 19th सेंचुरी एज अ ब्रीफ इंटरल्यूड बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर बारबेरिज्म। शायद ही कोई व्यक्ति ने सोचा था 19th सेंचुरी को एक ब्रीफ इंटरल्यूड मतलब मध्य के अवकाश जो बिटवीन किसके किसके बीच में पास्ट और फ्यूचर की जो बारबेरिज्म थी मतलब क्रूरता थी शायद ही उसके बीच का जो अंतराल था उसके बारे में कोई व्यक्ति ने सोचा हो। बारबेरिज्म का मतलब होता है क्रूरता के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री से रिलेटेड है और इस कॉन्सेप्ट को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि द ऑथर फील सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। मतलब जो लेखक है वो अपने बाद के जो जीवन है उसके बारे में बहुत दुखी महसूस करता है। बिकॉज क्योंकि द वर्ल्ड हैड नॉट बिकम प्रॉस्पेरस। क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं कि विश्व जो है वो प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध नहीं हुआ था इसकी वजह से, या ही वॉज नोस्टॉल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड। बहुत वो नोस्टॉल्जिक था अपने चाइल्डहुड को लेकर, या द वर्ल्ड वॉज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। यह जो देखा जाए विश्व था जो उस पीरियड ऑफ टाइम के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, या द ऑथर हैड नॉट वॉन एनी फर्दर विक्ट्रीज। जो लेखक था या ऑथर था उसने कोई भी फर्दर विक्ट्रीज नहीं जीती थी। तो अगर आप देखोगे तो पेनफुल की बात की गई है, पेनफुल इपोक ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री की बात की गई है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि द वर्ल्ड वॉज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, यही ऑप्शन सही माना जाएगा। आइए अगले की ओर मूव करते हैं। अगले कह रहा है ठीक, और अगले कह रहे थे द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट, यानी जो पास्ट की विक्ट्रीज हैं फील्ड मेन विद सेंस ऑफ पेसिमिज्म, यानी लोगों को जो है निराशावाद की सेंस भर दी थी। प्रूव टू बी टेम्परेरी इवेंट्स, ये एक टेम्परेरी इवेंट सिद्ध हुई। इंडेड क्रुएल्टी टेरनी एंड इनजस्टिसेस, उसने समाप्त कर दिया जो क्रुएल्टी थी निर्दयता थी अत्याचार को और अन्याय को। ब्रॉट परमानेंट पीस एंड सिक्योरिटी, एक लगातार स्थायी शांति और सिक्योरिटी लाई। और अगर आप देखोगे तो ऐसी स्थिति में ये पॉइंट यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पे देखोगे एंड पास्ट विक्ट्रीज विच हैड सीम टू बी डेफिनेटिव हैव टर्न्ड आउट टू बी ओनली टेम्पररी। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो पास्ट की विक्ट्रीज थी वो क्या प्रूव हुई, प्रूव टू बी टेम्पररी। तो एक प्रकार से यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप इस पॉइंट को आप लिंक कर पा रहे होंगे, प्रूव टू बी टेम्पररी इवेंट्स। तो आइए अगले को समझते हैं। और अगला कह रहा है जो शब्द है डेफिनेटिव, द वर्ड डेफिनेटिव ओके एज यूज्ड इन द पैसेज मींस, जो पैसेज में जो डेफिनेटिव शब्द का यूज हुआ है उसका क्या मतलब है। इनकम्प्लीट, डिफाइंड, टेम्पररी या फाइनल। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कह रहा है ओके पास्ट विक्ट्रीज विच हैड सीम टू बी डेफिनेटिव, मतलब जो अंतिम ऐसा प्रतीत हो रही थी कि वो फाइनल है, हैव टर्न आउट टू बी ओनली टेम्पररी, और वो कैसी हो गई, वो क्षणिक हो गई। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो डेफिनेटिव वर्ड का यूज किया गया है पैसेज में वो एक्चुअल में फाइनल को डिनोट कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि टेम्पररी, डिफाइंड या इनकम्प्लीट नहीं देगा, फाइनल होगा। ठीक, आइए अगले की ओर बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज पीपल बिलीव दैट। अब कह रहा है कि विक्टोरियन एज के दौरान लोगों का मानना था कि देयर वुड बी अनलिमिटेड फ्रीडम, बहुत ज्यादा फ्रीडम होगी, स्ट्राइफ वुड इंक्रीज, या पीस वुड प्रिवेल एंड हैप्पीनेस वुड इनगल्फ द होल वर्ल्ड।
यानी शांति मौजूद होगी, शांति होगी और जो खुशियां होंगी वो पूरे विश्व भर में छा जाएंगे। या वॉर्स वुड बी फॉट ऑन अ बिगर स्केल, जो युद्ध होंगे वो बड़े स्तर पे लड़े जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए विक्टोरियन एज के दौरान लोगों को मानना था कि जो शांति होगी और साथ ही साथ जो हैप्पीनेस होगी वो पूरे विश्व भर में छा जाएगी। तो यही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तो हम इसको सी वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्रीफ इंटरल्यूड, एक जो मध्य जो छोटा सा जो संक्षिप्त समय था किसके बीच का, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर बारबेरिज्म। इसका मतलब है पास्ट के और फ्यूचर बारबेरिज्म को, मतलब एक प्रकार से बारबेरिज्म को मतलब होता है क्रूरता, तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग वॉर्स, मतलब वॉर के दौरान ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के रूप में, या इन इंटरल्यूड बिटवीन क्रूअल वॉर्स, एक मध्य अवकाश कह सकते हैं क्रूअल वॉर्स के बीच, या अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम बिटवीन टू ग्रेट इवेंट्स, यानी दो बड़े इवेंट्स के बीच का जो शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम है, या अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर एक्ट्स ऑफ सेवेजरी। आप देख सकते हो तो ये वर्ड इस बात को डिनोट कर रहा है कि कहीं ना कहीं बारबेरिज्म को शो कर रहा है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 70 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। आशा करता हूं आपको सारी पॉइंट समझ में आया होगा। थैंक यू। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पर। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को सत प्रतिशत सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मेजर कल्सी क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका सिंह, फैकल्टी ऑफ अरिथमेटिक एंड रीजनिंग। एंड जो बच्चों संडे को आपका मॉक टेस्ट हुआ था एयरफोर्स वाई ग्रुप का, आज हम उनके सॉल्यूशंस लेके आए हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेट्स स्टार्ट, कि रीजनिंग के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्या क्या थे। आई होप आपने अच्छा पेपर किया हो और आपके रिजल्ट्स आपके सामने बहुत जल्द होंगे, राइट? तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या बोला है कि एंगल बिटवीन द हैंड्स कितना, 730 पे दोनों एंगल्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा। आपको पता है एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 60h डिफरेंस 11m बाय 2। डायरेक्टली हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, जहां h का मतलब 7 यानी आर क्लॉक। आर क्लॉक कहां पे रिप्रेजेंट कर रही है, 7 पे, और मिनट कितने हुए हैं, 30 मिनट्स, राइट? तो इसका क्या हो जाएगा, 60 × 7 डिफरेंस 11 × 30 बाय 2। तो यहां से कितना आ गया बच्चों, 420 माइनस 330 बाय 2, यहां से इसका डिफरेंस आया बच्चों आपका 90 बाय 2, दैट इज 45 डिग्री। इज दैट करेक्ट? तो आंसर इज 45 डिग्री, राइट? अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है बच्चों, यहां पे हमारा इंग्लिश अल्फाबेट से आ गया है। इंग्लिश अल्फाबेट से क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर हमने इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है तो कौन सा लेटर होगा फिफ्थ लेफ्ट, किसके लेफ्ट में, फोर्थ लेफ्ट फ्रॉम द राइट, फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट। राइट से जब आप फोर्थ लेटर पढ़ेंगे तो उसके लेफ्ट में फिफ्थ लेटर आपका कौन सा होगा। इंग्लिश लेटर में मैंने ये बताया है आपको, जब भी इसको रिजॉल्व करते हैं तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, हिंदी में जिस फॉर्मेट में लिखा होता है उसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर राइट का कौन सा है, फोर्थ, आर फोर, ठीक है? और फिर आपके लेफ्ट के फाइव की बात कर रहा है। हिंदी में बच्चों आप जिस डायरेक्शन में लिखा होता है उसी में लिखते हैं, बट इंग्लिश में आप इसी का रिवर्स लिखते हैं। और क्योंकि
लेफ्ट लेफ्ट आपस में माइनस होते हैं, राइट लेफ्ट आपस में प्लस होते हैं, लेफ्ट राइट आपस में प्लस होते हैं और राइट राइट आपस में माइनस होते हैं। तो यहाँ पे साइन आएगा आपका प्लस का, क्योंकि ऑपोजिट्स है। तो यहाँ पे और जो साइन कौन सा फॉलो होता है, हमेशा पहले वाला, यानी कि आर का 9। और क्योंकि यहाँ पे रिवर्स दिया है, तो रिवर्स में आपको सिखाया गया है कि राइट की जगह आपको सिंपली क्या कर देना है, लेफ्ट 9। और 9 पोजीशन से लेफ्ट पे, हमने इंग्लिश अल्फाबेट हमेशा लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड ही तो पढ़ा है, ए से जेड तक लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट के 9 पे कौन सा हो गया लेटर आपका बच्चों, आई, राइट। तो आंसर इज सी, दैट इज आई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको पूछा है कि अगर हम शाम को लिखते हैं जे एक्स वी ई पी, शाम को लिखा हमने जे एक्स वी ई पी, तो आपसे पूछा है पिंकू को कैसे लिखेंगे, राइट। मैंने आपको बताया जब आपको पूछना समझ में आया तो आप सीधा नंबरिंग कर लेते हैं, लेटर कोड से ही सीधा नंबर कोड पे ट्रांसफर हो जाता है। तो ले और नंबरिंग में हमने आपको याद करा रखी है S19H8Y25A1M13J10X24 V का आपका होता है 22, E5P16। अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया बच्चों, पहला पैटर्न होता है हमारा फॉरवर्ड, फिर रिवर्स और फिर क्रॉस पैटर्न में हम देखते हैं, और तो फिर पोजीशन पे देखते हैं। हमने फॉरवर्ड पैटर्न नोट किया बच्चों, ये तो फॉरवर्ड तो है ही नहीं, पहले रिवर्स देख रहे हैं। 19 से 10 पे आ जाए क्या, माइनस 9 किया गया है, 8 से 24 16 बढ़ गया है, तो ये कोई पैटर्न ऑब्जर्व हो नहीं पा रहा बच्चों, ना फॉरवर्ड में ना ही रिवर्स में। तो हमने क्या चेक किया, हमने कहा क्रॉस में चेक करते हैं, अगर एस से पी पे आ रहे हैं क्या, यहाँ पे माइनस 3 पोजीशन किया हुआ है 19 से 16, 8 से 5 पर आए फिर माइनस 3 हुआ, 25 से 22 फिर माइनस 3 हुआ, 1 से 24 फिर माइनस 3 और 13 से 10 फिर माइनस 3। सिमिलरली हम पिंकू का रिजल्ट निकाल लेंगे, पी का 16, आई 9 एंड 14, आई के का 11, किंग्स 11 पंजाब याद कराया ना, किंग्स 11 पंजाब, के का 11, यू का कितना होता है 21। तो अब हम सीधा माइनस थ्री करके लिख लेंगे, 16 माइनस 3 कितना होता है 13, 13 होता है M का, 9 माइनस 3 6 F का होता है, 14 माइनस 3 11 K का होता है, 11 माइनस 3 8 किसका होता है H का, 21 माइनस 3 18 होता है जो कि होता है R का, राइट। तो आंसर विल बी आर एच के एफ एम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इज दैट क्लियर। क्रॉस में माइनस 3 इसमें अप्लाई किया गया है, राइट। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा डिक्शनरी से है बच्चा, और ये डिक्शनरी के क्वेश्चन हमारे फ्री के नंबर देखे जाते हैं, यहां से तो कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता आपका। बस यहां पे ये ध्यान देना है आपको कि पूछा कौन सा टर्म क्या है, यहां पे पूछा गया है थर्ड लेटर जब हम अरेंज करते हैं, तो हमने कहा डीई 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 तो सब में कॉमन है, उसके बाद हम चेक करते हैं क्या यहां पे पहला सी और ये आ रहा है, तो पहला सी हो गया, दूसरा ओ सी ओ वाला हो जाएगा, उसके बाद तीसरा एफ वाला आएगा, तो आंसर कितना आ गया, डिफिशियंसी हमारा आंसर होगा, राइट। अगले सवाल की तरफ देख चलते हैं। डाइस है और डाइस में बच्चों आपको बता रखा है ये कौन सा कंडीशन है, पहले हम देख चेक कर लेते हैं क्या ये वन सरफेस कॉमन है, और ऑपोजिट आपसे पूछा जा रहा है थ्री का, वन सरफेस कॉमन है, ऑपोजिट आपका थ्री का पूछा जा रहा है, फोर यहाँ पे कॉमन है बच्चों, बोला गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो फोर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो सबसे पहले आपको थ्री मिल जा रहा है, और यहाँ से आपको मिल जा रहा है सबसे पहले फाइव, तो थ्री का ऑपोजिट क्या हो गया बच्चों, फाइव, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पे बच्चों आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने थे, मैंने कहा नंबर ऑफ स्क्वायर्स आप रो और कॉलम को एज इट इज लिख लीजिए, कितनी रोज है भाई यहां पे थ्री और कॉलम कितनी है सेवन। अब हम इन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखना चालू करते हैं जब तक कि कोई भी एक वन ना हो जाए, तो ऑब्वियसली सबसे पहले वन तक ये पहुंचेगा, तो थ्री टू वन लिख दिया, इसको लिखेंगे सिक्स और फाइव, उसके बाद नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे आते हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करने में, दिस इज 21, दिस इज 12 एंड दिस इज 5, इसको हमने ऐड किया तो बच्चों आ गया 38, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 38 इज करेक्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका ब्लड रिलेशन से है बच्चों, पॉइंटिंग टू अ मिरर, पॉइंटिंग टू अ इमेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ इमेज अ मैन सेज शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर्स इन लॉ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे होता है, मैंने आपको ये क्वेश्चन करने का टेक्निक बताया, हमने कहा जहां पर भी माई लिखा होता है, माई को आप, क्योंकि कोई भी कहीं से रिलेशन बताना शुरू करता है वो अपने से बताना शुरू करता है कि दिस मैन इज रिलेटेड टू मी बाय सो एंड सो रिलेशन,
तो आप माय को वन मार्क करेंगे, उसके बाद इधर आपको जितने भी रिलेशन मिलते हैं आप उसे टू थ्री उसी के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे, इसको आप टू मार्क करेंगे फादर को, और फादर की मदर इन लॉ की बात कर रहे हैं, ये थर्ड पर्सन हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि शी इज द डॉटर ऑफ, अब ये इसके, अब जैसे यहाँ पे रिलेशन आपके खत्म हो जाते हैं तो आप रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं, रिवर्स ऑर्डर में फोर मार्क करेंगे, और यही जो फोर है उस शी की मदर है, यानी शी को फाइव मार्क कर दिया। जिसने भी क्लास में किया उसको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? तो माय, अब बोल कौन रहा है, मैन, तो वन हमने लिखा और इसे ट्राइंगल में बंद कर दिया भाई, ठीक है, वन लिखा ट्राइंगल में बंद कर दिया क्योंकि वो मेल है। अब उसने क्या किया, अपने फादर की बात की, फादर यानी ऊपर जनरेशन में आएगा, फिर ट्राइंगल में बंद हो जाएगा क्योंकि वो फादर है, राइट? अब फादर की मदर इन लॉ की बात कर रहे हैं, फादर की मदर इन लॉ यानी सास, यानी कि इनकी कोई वाइफ होगी जो कि सर्कल में बंद होगी, फीमेल को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और उसकी उसकी मॉम होंगी इनकी सास, राइट? उनकी मदर होंगी टू की सास, अब वही क्या है उनकी इकलौती बेटी। अब आप फोर के पास जाएंगे, फोर कौन है, ओनली डॉटर, इस मदर की ओनली डॉटर, यानी क्या इसी पर्सन की बात हो रही है, इकलौती बेटी यानी कि यही होगा। अब उसके बाद आपसे बोला है शी इज द ओनली डॉटर, ठीक है, ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ, ठीक है, तो शी इज द ओनली डॉटर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, ठीक है, तो वुमेन कैसे रिलेटेड है इस मैन से, क्या इन्हीं पर इसी पर्सन की बात हो रही है, ये वुमेन इससे कैसे रिलेटेड भाई, ये क्या मॉम है, राइट? तो आंसर विल बी दैट इज मदर, ठीक है, समझ में आया बच्चों? जहां पर भी माय देखता है उसको नंबर वन पॉइंट कर लो, राइट हैंड साइड में जितने भी लेटर्स है उसको टू थ्री करके मार्क कर लो आप, जितने भी रिलेशन की बात हो रही है, उसके बाद वहां जैसे ही खत्म हो जाए रिवर्स ऑर्डर में आप नंबरिंग कर लें, उसके बाद आप सीक्वेंसिंग शुरू करेंगे वन से। जैसे आपने देखा कि माय फादर यानी कि वो इंसान, उसके फादर की मदर इन लॉ, राइट, क्या उसकी वाइफ होगी, उसकी मदर, मदर इन लॉ की क्या है, उस मदर इन लॉ की जो बेटी है, इकलौती बेटी है, वही क्या है, ठीक है, शी इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, तो इसी वुमेन की बात कर रहा था ये पर्सन, तो ये इससे कैसे रिलेटेड है, ये मदर हो गई, राइट? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलता है एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में 100 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 100 मीटर चलता है नॉर्थ डायरेक्शन में, चल गया भाई, फिर वो वहां से राइट टर्न करता है और 50 मीटर चलता है, फिर मूव करा देते हैं, फिर वो वहां से राइट टर्न करता है और 100 मीटर चलता है, क्या उसका राइट अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, फिर ये 100 मीटर चला और फिर वहां से वो क्या टर्न किया, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या उसका अब इस साइड होगा, तो यहाँ से 20 मीटर, तो यहाँ से अब उसने पूछा स्टार्टिंग से वो कितनी दूरी पे है भाई, ये 50 और ये 20, तो कितना हो गया 70, आंसर इज 70 मीटर्स, राइट? अगला सवाल देखते हैं 79, क्वेश्चन नंबर 79 बच्चों, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है। अब पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है कि पेपर को ऐसे फोल्ड किया फिर रिवर्स में फिर यहाँ पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन कैसे करते हैं, मिरर इमेज तो देख लेते हैं कहीं ना कहीं। अब इस पेपर को इधर फोल्ड किया गया है तो यहाँ पे भी वही इमेज बनी होगी, राइट? यहाँ पे भी वही तो इमेज बनी होगी, ठीक है, यानी इस लाइन को आप मिरर की तरह ट्रीट करेंगे, अगर ये पॉइंट जितना इस लाइन से दूर उतना ही इस लाइन से दूर ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये डायग्राम आपके क्वेश्चन में होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन भी होगा नहीं, बचे दो ऑप्शन। अब जैसे ही फिगर में यहाँ पे दो पॉइंट्स आ गए बच्चों, अब यहाँ से इसको आप मिरर इमेज की तरह ट्रीट करो, क्योंकि ये जब मिरर इमेज की तरह ट्रीट होगा तो यहाँ वाले फिगर यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये अगर इस लाइन से इतना दूर है तो ये भी तो यहाँ जाएगा, उस लाइन के क्लोज होगा, तो राइट, इसको देखते हुए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन हमेशा मिरर कंसेप्ट लगा लो बच्चों, क्वेश्चन हमेशा कभी भी गलत नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यह आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया बच्चों। मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम डायरेक्टली सिंबल्स पुट करते चले जाते हैं, माइनस को क्या कहा गया है डिवाइड 36, और प्लस को कहा गया है बच्चों आपका मल्टीप्लीकेशन 12, और डिवाइड की जगह आपने कहा है प्लस 75, और इंटू की जगह आपको रखना है माइनस 55, राइट? अब 540 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 15, और 15 इंटू 12 कितना होगा, ये करना आपको बच्चों बोर्ड मार्क्स के रूल से ही है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बोर्ड मार्क्स के रूल से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को। बोर्ड मार्क्स का रूल क्या होता है, पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट से क्वेश्चन नहीं आता, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और
सब्सट्रैक्शन आपको दिमाग में रखना है. इज दैट क्लियर? तो पहले हमने डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 15 into 12 का स्क्वायर होता है 144 और उसमें 3 टाइम्स ऑफ 12 फिर से ऐड करेंगे, दैट इज 36. तो आंसर आ जाएगा 180. 180 प्लस 75 माइनस 55. इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपका रिजल्ट आ जाएगा 200. इज दैट क्लियर? इससे आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. ये क्वेश्चन तो आपने आराम से कर लिए होंगे, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में. अब ये देखो एम्बेडिंग फिगर, ये बहुत आसान सवाल होता है. बस जैसा जैसा फिगर बोला होता है उस फिगर को यहाँ पे सर्च करना होता है हमें, राइट? अब इस फिगर को देख के हमें पता चल रहा है ये फिगर क्या यहीं पर छुपा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में. ये फिगर भी सिमिलर है बच्चों, लेकिन इस फिगर में और इस फिगर में डिफरेंस है. ये थोड़ा सा दबा हुआ फिगर है, आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों फिगर्स में डिफरेंस है. तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. अगले सवाल की तरफ चलते हैं, दैट इज 82 अगेन मिरर इमेज. बच्चों मिरर इमेज का क्वेश्चन हमेशा कैसे करना है, हमेशा देखना है जो भी मिरर के जितने करीब वही ऑब्जेक्ट जब इमेज क्रिएट होगी तो वही मिरर के उतने ही करीब होगा. एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे अगर हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, जैसे कि अगर हमने ड्रॉ किया आपका बी लिखा और यहाँ पे मिरर है, तो हम क्या करेंगे इसकी इमेज जो क्रिएट होगी ये बी का जो सर्कल्स है वो पास में आएंगे और बाद में लाइन आएगी, जो जितना करीब वही उतना करीब फॉर्म होता है. तो हमने कहा ये एरो क्या मिरर के पास है, तो वही डायग्राम होगा जहां पे एरो जो होगा वो मिरर के पास होगा. तो ये तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा. लास्ट ऑप्शन देखते हैं पहले, ये दोनों में से हो सकता है. ठीक है, अब डॉट को कंपेयर कर लेते हैं. यहाँ पे क्या ब्लैंक डॉट है, ब्लैंक डॉट ही आना चाहिए. ब्लैंक डॉट ऑप्शन सी में है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट? ब्लैंक डॉट ऊपर है ना भाई, तो ब्लैंक डॉट बीच में ऊपर होना चाहिए और कलर डॉट बीच में, राइट? और ऑप्शन नंबर ये होगा नहीं हमारा. इज दैट क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 83 अगेन फ्रॉम पेपर फोल्डिंग. फिर से वही दिमाग लगाना है बच्चों, कुछ नहीं करना है. इस पेपर को इधर फोल्ड किया है, यानी कि इसको आप मिरर की तरह ट्रीट करोगे. जब इसको आप मिरर की तरह ट्रीट करोगे तो एक बॉक्स आपका यहाँ आएगा और एक बॉक्स आपका यहाँ पे आएगा, राइट? अगर इन्हीं दोनों इमेज को हम कंपेयर करें तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर क्या है डायमंड शेप में रख दिया गया है, प्रॉपर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रखा है. तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता. सिर्फ दो इमेज देख के हमने बता दिया कि ऑप्शन डी इज करेक्ट. अनदर फॉर्म जब आप करते हैं तो बच्चों अब इस लाइन को, क्योंकि इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है, रिवर्स ऑर्डर में हम चलते जाते हैं. अब इस लाइन के अराउंड फोल्ड किया है तो यहाँ पे क्या होता है, ये इमेज यहाँ बनती है स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर बनता, फिर ये स्क्वायर नीचे बनता और यहाँ पे एक और स्क्वायर बनता. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, राइट? अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आखिरी सवाल है. लास्ट सवाल देखते हैं. लास्ट सवाल में बच्चों आपको ये करना है बस, सिर्फ और सिर्फ कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये फिगर कंप्लीशन का है. फिगर कंप्लीशन कैसे होगा, या तो मोस्टली फिगर ऐसे क्रिएट होता है कि इसी की मिरर इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, या तो कभी कभी इसकी मिरर इमेज नीचे फॉर्म हो जाती है. तो यहाँ पे आपको ये देखना है इसकी मिरर इमेज तो ऑलरेडी यहाँ क्रिएटेड है, तो यानी कि इसकी मिरर इमेज यहाँ क्रिएट होगी, राइट? ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा आपका, ठीक है? तो आंसर देख लेते हैं भाई कहाँ पे मैच कर रहा है. ये आंसर आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी में, राइट? ऑप्शन नंबर बी में क्लियरली इसकी मिरर इमेज हमें यहाँ दिख रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट स्टूडेंट? तो ये थे आपके रीजनिंग के सॉल्यूशंस. आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो और आपने अच्छा परफॉर्म किया हो. थैंक यू. जय हिंद. इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां, एनडीए, सीरियस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अपेंटिस, इंडियन पोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं. इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना. मेजर कल्सी क्लासेस साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका. जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस, बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं, आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं, टाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से. स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा
ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे आपका जो है 17 तारीख को बच्चों जो अभी संडे को आपका मॉक टेस्ट हुआ था, उसका मॉडल पेपर जो भी आपका ये मॉक टेस्ट था उसका हम सलूशन कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 से। यहाँ पे दिया गया है बच्चों आपको द प्रोडक्ट ऑफ द टू को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें कुछ भी जो है आपका कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ये जानना होगा सह आभास संख्या क्या होती है। तो सह आभास संख्या वो होती है पेयर ऑफ टू नंबर विच हैव SCF 1। तो बच्चों वहां पे SCF कॉमन ही कितना है आपका 1 है, तो उनका जो बच्चों आपका अगर प्रोडक्ट जो होता है वही उसका क्या कहलाता है, LCM भी कहलाता है बच्चों। अगर यहां पे आपसे पूछा जाएगा तो LCM, जैसे हमारे पास दो नंबर XY है, इसका अगर LCM, ये दोनों को प्राइम है, तो LCM अगर पूछा जाए तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, X into Y। अगर यहां से SCF पूछा जाएगा तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा। तो यहां पे देखिए क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर आपको दिया गया 945। तो उनका क्या बताना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब बच्चों क्या बताना है यहां पे, लघुत्तम समापवर्तक, तो वही वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा यहां पे, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे देखिए दिया गया है आपको, यहां पे दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 15 और 7 15 75 एंड देयर परसेंटेज 9/7 देन द सम ऑफ द नंबर्स। बच्चों यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, यहां पे क्या पूछा गया है, सम देखिए, इन दोनों का अगर सम करते हैं 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर ये 16 होगा तो ऑप्शन भी क्या चाहिए, 16 का मल्टीपल चाहिए बच्चों। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था आपका 16 का मल्टीपल, वो कौन सा था, डी पार्ट था। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सोल्यूशन की, तो देखिए बच्चों आपका टू प्रोडक्ट दिया गया, मान लेते हैं वो नंबर एक्स अपान वाई है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, एक्स और वाई को ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 9k और यहाँ पे आपका वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7k। तो फिर यहाँ पे दोनों को क्या करना बच्चों, प्रोडक्ट निकालना है, तो 9 7 जा कितना हो जाएगा, 63k² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 7 5 आएगा। यहाँ से बच्चों जब आप देखोगे तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो अगर हम 3 का यहाँ पे मल्टीपल देखेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 और 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। तो 25 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। अब दोनों नंबर को क्या करना है बच्चों, सम करना है, तो यहां से देख सकते हो एक 9k आएगा और एक 7k आएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा, 16k, 16 इंटू क्या हो जाएगा, 5, यहां से कितना निकल कर आ जाएगा आपका 80 आपका सोल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, अगला देखिए, यहाँ पे भी बच्चों आप जो है ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया प्रेजेंट एज ऑफ विनीत, यहाँ बस आप देखिए विनीत गौरव आर क्या दिया गया है, 9:7 रेस्पेक्टिवली 12 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ देयर एज 5:3 है रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज विनीत एज। अब देखिए बच्चों किसका आपका यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है विनीत का प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज पूछा गया है, प्रेजेंट यहाँ पे दिया गया बच्चों किसका मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, तो उस ऑप्शन को पहले ढूंढो बच्चों आपका 9 का मल्टीपल कौन है, तो ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू बचती है जो 9 का मल्टीपल है बच्चों, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे विनीत है, यहाँ पे कौन है बच्चों, गौरव है। अब इसके बाद इनका दिया गया है 9 और 7, ये बच्चों क्या है आपका प्रेजेंट का है, यहाँ पे क्या दिया गया है प्रेजेंट, यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ 12 ईयर एगो बच्चों, तो 12 ईयर एगो अगर हम बात करते हैं मतलब क्या हो गया, 12 ईयर एगो की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए 5:2 कितना दिया गया आपको, 3 दिया गया, तो यहाँ पे बच्चों देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 4 का, दोनों तरफ 4 का डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों तरफ आना चाहिए। अगर बच्चों ये डिफरेंस सेम नहीं होता, इसका डिफरेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, इसका डिफरेंस यहाँ पे, तो यहाँ
पे देखिए क्या आ जाएगा, अब 4 की वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, 12 ईयर दिया गया है, कितना दिया गया है 12 ईयर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 ईयर आ जाएगी, आपसे क्या पूछा गया है यहाँ विनीत का पूछा गया है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 ईयर आ जाएगी, तो आसानी से आप निकाल सकते हो कितना आ जाएगा 27 ईयर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था आपका, यहाँ पे बस आपको क्या रेशनलाइजेशन आपको पता होना चाहिए बच्चों, जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 + 2√3 है, फिर इसके बाद ब्रेकेट में क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 33 − 19√3 हो जाएगा बच्चों, नीचे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ से देखिए 13, अब आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी, 13 आपका क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे होगा, अब प्लस है यहाँ पे तो नीचे भी 13 + 19√3 आएगा, यहाँ पे 33 − 19√3 तो क्या आता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो आप देखोगे यहाँ पे अलग से कर सकते हैं हम लोग, 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 19 का कितना आ जाएगा 361 * क्या हो जाएगा बच्चों 3, इसका कर देंगे तो 3 का कितना हो गया 9, 3 × 2 = 3 कितना हो गया आपका 18, 3 का कितना आ जाएगा 9 × 1 = 10 बच्चों, यहां से करेंगे 3 × 1 = 9, 3 × 3 = 18, 3 × 3 = 9 = 10, तो यहां पे देखिए कितने का डिफरेंस है बच्चों, तो आप क्या बताओगे 6 का डिफरेंस है, बस यहां पे आसानी से इसको रख दीजिए, अब आप देखोगे यहां पे कट भी जाएगा, 2 × 1 = कितना हो जाएगा 2 और 2 × 3 = यहां पे हो जाएगा आपका 2 × 3 = आ जाएगा बच्चों, ऊपर कितना बचा आपका 3 + √3 आया और इधर कितना हो गया आपका 33 + 19√3, जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे अपान 3 है ही है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे कितना निकल कर आएगा 3 × 3 = कितना हो जाएगा बच्चों 99 आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 19 × 3 कितना हुआ 57 और बच्चों यहाँ पे कितना है 33, तो 57 और 33 आप ऐड करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका देखिए 50 × 30 = 80 = 90 हो जाएगा, तो बच्चों कितना आ जाएगा 90√3 आ जाएगा, कितना आया 90√3, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 19 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों 57 हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना आपका 3 है, अब यहाँ से देखिए 99 और 57 आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 156, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 30, आप यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 90√3 आ जाएगा डिवाइड बाई 3, अब 3 से आप डिवाइड भी कर सकते हो 3 × 5 = आ जाएगा और 3 × 2 = बच्चों 3 × 3 = आपका कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ये तो रूट के अंदर आई वैल्यू, अब इसको कैसे निकालते हैं, चाहो तो बच्चों आप डायरेक्टली कर सकते हो, देखो यहाँ पे प्लस है तो बाहर तो प्लस ही आएगा आपका, तो बाहर क्या आ जाएगा प्लस आएगा, अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, तो यहाँ पे करिए 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे देखो ये हमको छोटा वैल्यू करना ज़्यादा आसान होता है, तो 2 × 2 = कितना आ जाएगा 4, 3 × 3 = 9 कितना आ जाएगा 27, 4 कितना होगा बच्चों 31 होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, यही ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा, कर भी सकते हो 5 × 5 कितना आ गया 25, 3 × 9 = कितना हो जाएगा बच्चों 3 × 9 = 27, 27 और 25 करेंगे तो बिल्कुल 52 आ रहा है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा बच्चों आपका ए ऑप्शन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे बच्चों देखिए ये आपका जो है इंटीजर वैल्यू है, तो बच्चों इंटीजर को पहले अलग कर लो, 86 कितना हो गया आपका 14, अब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया 14 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी और 14 से ज़्यादा का मतलब ये तो हो ही नहीं सकता आपका, आगे बात करते हैं बच्चों अगला दिया गया है यहाँ पे देखिए प्लस 74 है, तो 74 − 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, जिस पर बार लगा होता है वो 9 बाकी 0, यहाँ पे अगला क्या है प्लस 47 − क्या हो जाएगा बच्चों 4 डिवाइड बाई 9 और 0 हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 14 + 7 यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 67 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 निकालेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 90, यहाँ से आप देखेंगे 14 + 6 = 10 और बच्चों कितना हो जाएगा 110 / कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, तो यहाँ से जब आप कैंसिल करेंगे 9 × 1 = 9 अभी 15 और 2 upon 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 आपका बच जाएगा तो 15 × 2 upon 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे भी देखिए दिया गया आपको ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16%, तो 16% की चाहो तो आप वैल्यू लिख लो बच्चों कितना हो जाएगा 4/25,
कोई नंबर 25 रहेगा तो वो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों, जो भी नंबर आपसे पूछा गया है तो नंबर कितना 25 है। 25 का आपको मल्टीपल चाहिए बच्चों, 25 का मल्टीपल का मतलब लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। तो देखो यहाँ पे लास्ट टू डिजिट बिल्कुल नहीं कटेगा, यहाँ पे भी नहीं कटेगा, यहाँ पे भी नहीं कटेगा बच्चों, सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है जो लास्ट टू डिजिट कट जाएगा, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। और देख भी सकते हो यहाँ पे, अब 29 आपका किसका वैल्यू है, यहाँ पे 1900 कितना दिया गया बच्चों, 14 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए किससे मल्टीप्लाई किया, आपको पता है 9 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे 4 कब आएगा, तो 9 6 जा होता है बच्चों। आगे देखोगे यहाँ पे मान लो 3 है, 3 6 18, 6 ही बार जाएगा बच्चों, तो 66 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, 66 से मल्टीप्लाई कर लो आप। यहाँ पे देखिए 25 6 का कितना हो जाएगा बच्चों, 150 हो जाएगा, 25 6 का 150, और यहाँ पे 15 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। बिल्कुल आराम से आंसर निकल पाता बच्चों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दिया गया है एलोन जो है काम करेगा कितने डेज में करता है, 72। अब यहाँ पे बच्चों इन हाउ मेनी डेज कैन बी कैसे मतलब अकेले कर सकता है, अगर दिया गया बच्चों इफ टुगेदर दे कैन डू इन 40 डेज, मतलब ए और बी जो है बच्चों कितने दिनों में करते हैं ये लोग, 40 डेज में। चाहो तो आप रेशियो से भी कर सकते हो बच्चों, डायरेक्ट इसका रेशियो ले लो तब भी आ जाएगा। जैसे हम अगर बात करते हैं यहाँ पे इसका एलसीएम, अगर आपको निकालना एलसीएम से करना चाहते हैं तो देखिए 8 तो आपका कॉमन हो जाएगा, 8 नौ 72, 8 5 40 बच्चों, और 9 5 कितना हो जाएगा आपका 45 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं सबसे पहले देखिए 72 से अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 9 72 बच्चों, 9 5 45 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे 40 से 8 5 4 5 9 45, ये कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 9 हो जाएगी। ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा बच्चों, आप क्या बताओगे, 4 रखोगे तब जाके 9 आ पाएगा। अब यहाँ से क्या करना बच्चों, 8 इंटू टोटल जो वर्क है उसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या, डेज। तो 45 टूजा कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, अगला देखिए यहाँ पे बच्चों, अब आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, 14 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बच्चों कितना है, 107 एवरेज दिया गया है। एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपको आप बिल्कुल समझ आनी चाहिए। एवरेज का मतलब होता है एकदम बीच में वो वैल्यू है। तो अगर हम बात करते हैं 107 बच्चों बीच में है, तो लेकिन आप ये देखिए ये 14 नंबर है बच्चों, यहाँ पे एवरेज 107 है, और कैसा नंबर है ये, इवन नंबर है। क्या ये इवन नंबर है, नहीं, तो ये तो नंबर हो ही नहीं सकता बीच में, इसका मतलब बीच में दो लोग आए होंगे। ये किससे आगे एक बढ़ जाओ, एक बच्चों इससे पीछे बढ़ जाओ, कितना हो जाएगा यहां पे, 106 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे दो नंबर हमें पता चल गए जो बीच में है, 14 में से 2 नंबर आपको पता चल गए बच्चों, इसके बाद कितने नंबर बचे, 12। 12 का मतलब 6 इधर होंगे बच्चों आपके, 6 इधर नंबर होंगे और 6 इधर नंबर होंगे, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे इवन नंबर में कितने का डिफरेंस होता है, 2-2 का, तो यहाँ पे 2-2 का डिफरेंस होता है बच्चों। अब देखिए अगर आपसे सबसे बड़ा नंबर पूछता तो 6 × 12 = 8 कितना हो जाता, 120 सबसे बड़ा होता। और फिर आपसे अगर छोटा पूछा गया बच्चों, 6 × 12 यहाँ से 6 निकल गया और 6 और माइनस करो हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, कितना आ जाएगा आपका, 94। तो यहाँ पे पूछा गया है द स्मॉलेस्ट नंबर, कितना आ जाएगा बच्चों, 94 आ जाएगा। यहाँ तक जो है हमारा 92 तक क्वेश्चन था बच्चों अरिथमेटिक का। तो आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से ट्रिक और टेक्निक बिल्कुल सीखना, फास्टेस्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रांग हो, तो हमारे साथ जुड़िए बच्चों किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन। लेकिन आपको पता है कि आपको जो है क्लासरूम का जो आपका एनवायरमेंट होता है वो आपका ऑनलाइन में उतना आपको नहीं मिल पाता है। तो बच्चों आप अगर आपको मतलब आ सकते हैं एमकेसी तो आके जो है ज्वाइन करिए जल्द से जल्द बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से आपका कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट हो जाएगा जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। थैंक यू बच्चों। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर,
टीचिंग प्लान, जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठियो, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत। यू आर मोस्ट वेलकम एट द मेजर कल्सी क्लासेस। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए मैं एक तरीके से मॉक टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं जो विगत संडे को हुआ है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स को देख सकते हैं और मैंने इन क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से रखा था। मैं ये जानना चाहता हूँ या मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि आपको अवेयरनेस ज़्यादा हो करंट अफेयर्स की, आसपास की घटनाओं की। और रही बात तो आपको बता दूँ, बहुत ईजी पेपर आता है। अगर बात किया जाए एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात मैं करूँ तो पेपर बहुत आसान आता है। तो देखिए, आइए इन क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं। अगर हम बात करते हैं विच सेक्शन ऑफ रेलवेज हैज़ कम्प्लीटेड 100% ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द जोन, कोंकण रेलवे। राइट आंसर इसका क्या होगा, कोंकण रेलवे विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम मूव ऑन करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन 94 है। 94 में क्या कहता है, 94 के अंतर्गत एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च ओवर 1 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे AICTE कर सकते हैं। और दूसरे पे बात पे अगर हम बात करें तो बिजनेस ब्लास्टर इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच इंडियन स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली, यूनियन टेरेटरी दिल्ली होगा राइट आंसर। विच रेसिंग ड्राइवर वोन द सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स 2022। इस क्वेश्चन के अगर आंसर की आप बात करेंगे तो ए विल बी द राइट आंसर, मैक्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर बात करी जाए तो यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंतर्गत आप बात करेंगे तो UNFA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी की गई है। हु इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। अगले क्वेश्चन की ओर अगर मूव ऑन करते हैं, व्हेन द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस ऑब्जर्व 4 अप्रैल, मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 4 अप्रैल। और नेक्स्ट अगर व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट लॉन्च फॉर द सर्विस रिलेटेड टू द ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन थे और आगे इसी तरीके से आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पर। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत।